सेकंड रुको, मेरे को एक वो नहीं दिख रही स्क्रीन। अभी स्क्रीन दिख रहा है सबको? अभी दिख रहा है क्या? अभी बताओ, उस टाइम नहीं दिख रहा होगा। बताओ रे, बताओ, दिख रहा है? हाँ दिख रही है। ठीक है, चलो। आप सरकार शब्द से क्या समझती है? एक मिनट, होगी सब, फॉन्ट कम करने दो। आप सरकार शब्द से क्या समझती है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन की डिमांड ये हो गई। एक सूची बनाएं कि किस तरह सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है, ये दूसरा पार्ट हो गया। अब देखो, प्रभाव करेगी ना तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आने का पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, वो चीज़ हमेशा याद रखा करो, क्योंकि इम्पैक्ट होता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है? तो ये तीन पार्ट है इस क्वेश्चन के। अब देखते हैं आपने कैसे मान लिया, 15 नंबर का मानते हैं इस क्वेश्चन को। सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र राज्यों में निश्चित काल के लिए निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है, परंतु सरकार के निम्न रूप भी है जो भी उनके अनुरूप कार्य करती है, जैसे। नहीं, डायरेक्ट एक डेफिनेशन मैं कितनी बार बोला, तुम देख के लिखा करो तुम। अब देखो, सीधी बात है, सिंपल से बता, आप सरकार सबसे क्या समझती है, बस ये बताना था आपको। अब ये जरूरत नहीं था, लोकतांत्रिक तथा राजतांत्रिक आदि, जिसमें लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रतिनिधित्व का शासन होता है जो निश्चित काल का होता है, तथा राजतांत्रिक जो वंशानुगत होता है जिसका निश्चित काल नहीं परंतु यह निर्गुण सरकार के साथ कल्याणकारी सरकार भी हो सकती है। ठीक है, पर इतना ज़्यादा नहीं है, जैसे करके लोकतांत्रिक सरकार वैसे लिख दो, क्योंकि उतना ज़्यादा डिमांड नहीं है क्वेश्चन को। तो फिर मैंने सरकार शब्द, बस सरकार की गवर्नमेंट क्या होती है बस, थोड़ा ये भी डेफिनेशन थोड़ा अच्छा है, नहीं थोड़ा अच्छा लिखो। ठीक है, जो भी है, परंतु अब एक ही सूची बनाई, किस तरीके से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है, अब देखते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने में काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है, तथा इसके प्रत्येक निर्णय का प्रभाव प्रजा पर पड़ता है। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाए, महंगी हो जाने पर दाम घटाए जाए, तो ऐसे करो, महंगाई पर नियंत्रण करने का कार्य। बिजली आपूर्ति समस्या तथा उसके द्वारा सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही भी हमारे जीवन पर प्रभाव, ये थोड़ा सेंटिव फॉर्मेशन देखो ना, ये क्या हो रहा है? सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही की भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, ये क्या हुआ? तो मतलब क्लियर मैसेज नहीं हो रहा। सरकार के द्वारा देश की सीमाओं की रक्षा करना और दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध, मतलब थोड़ा पढ़ा करो एक बार, मैं कितनी बार बोला, जब भी एक बार लिख के भेजते हो एटलीस्ट एक बार खुद से पढ़ के देखा करो। तो अरे बात है ना, एक बार पढ़ा तो करो, एक बार जब लिखने के बाद एक बार मेरे पास भेजते हो उससे पहले एक बार पढ़ा करो। ठीक है, नहीं तो ना कभी गलतियाँ तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, मैं सही बता रहा हूँ। खुद से भी कैच करना सीखो, जब भी आप आंसर लिखते हो उसके बाद में एक बार खुद से पढ़ा करो, फिर मेरे पास भेजा करो। सेंटेंस फॉर्मेशन कभी सुधरेगा नहीं, ये चीज़ याद रखना। सरकार के द्वारा देश की सीमाओं की रक्षा करना और दूसरे देश से शांतिपूर्ण संबंध से हम अपने देश में शांतिपूर्ण जीवन निश्चित देते हैं, तथा दूसरे देशों में अच्छे संबंध होने से देश के विकास में मदद मिलती है, जिसका प्रत्येक प्रभाव प्रजा जनता लिखो ना डायरेक्ट। सरकार द्वारा सुनिश्चित क्यों ये प्रजा, ठीक है, नए टर्मिनोलॉजी यूज करो। सरकार द्वारा सुनिश्चित दायित्व है नागरिकों की पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाना, जिससे वंचित वर्गों को यथा गरीबियों जरूरतमंदी की मदद मिलती है, जो समानता दर्शाते, मतलब थोड़ा लैंग्वेज सही से करो, वो नहीं आ रहा, फ्लो नहीं आ रहा। प्राकृतिक आपदा भूकंप सुनामी आदि से पीड़ित लोगों की सहायता करना, तथा प्राकृतिक, ये क्या प्राकृतिक, थोड़ा प्रकृति होगा वो, तो प्रकृति ऐसे लिखते हैं भाई, प्राकृति नहीं लिखते हैं, तो प्राकृतिक लिखते हुए गलती से हो क्या? ना, ये गलती है पिछले 2 महीने से दिख रही है तुम्हारी, ये गलतियां नहीं है। ठीक है, अब पक्का नहीं करूंगी। तो मैं कितनी बार बोला हूँ, जब भी आप मेरे पास भेजते हो एक बार पढ़ो आंसर को। अरे आना,
जब यूपीएससी के पेपर देते हो ना तो उस टाइम भी ऐसा फॉर्मूला होता है कि आप 2 घंटा 50 मिनट में अपना पेपर सॉल्व कर लो, उसके बाद में 5 मिनट पूरा पेपर को 5 या 6 मिनट में पढ़ना चाहिए पूरा एक बार, कहीं छोटी मोटी ये ऐसी मिस्टेक्स ना हो जाए तो ताकि थोड़ा बहुत करेक्ट कर। अगर वो मिस्टेक हो जाएंगी तो फिर कट्टा पिट्टी नहीं हो जाएगी? अरे तो अब मान लो कि तुम मतलब समझो क्यों ये चीज़ें अभी से करो ना, तो इसीलिए मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ ताकि वो कट्टा पिट्टी ना हो। अब देखो तुम गलती तुम्हारे रिपीट पर रिपीट हो रहा है, तो मैं ये बोलूँगा ना कि एक बार जब भी आप लिखते हो उसे चेक करके भेजा करो एक बार, कच्चा काटा पीट हो ठीक है, गलती तुम्हारी कैसे सुधरेगी? तो गलती तुम आज भी करोगे फिर आगे भी करोगे? नहीं अगली से नहीं करूंगी, पक्का नहीं करूंगी, खुद पढ़ूंगी 2 बार तब भेजूंगी। हाँ ठीक, ये जनता की रक्षा करने से भी सरकार जीवन पर प्रभाव डालती है। सरकार द्वारा किए गए सामाजिक आर्थिक भौगोलिक तथा कूटनीतिक कार्य नागरिकों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, जैसे किसी देश से व्यापार संबंध के साथ सांस्कृतिक रक्षा। ये क्या है रक्षा संबंध? ये संबंध है, कहाँ से संबंध दिख रहा है मुझे बताइए। नागरिक और व्यापार की उनकी सुरक्षा तथा स्वाभाविक जीवन में सहायता करते हैं, कानून की जरूरत। मैंने पॉजिटिव मेरे को समझ नहीं आया, मैंने इसका नेगेटिव नहीं लिखा। सरकार वहाँ पे बस अपने से ये बोला, ये सही बोला लोकतांत्रिक सरकार, तो सरकार तो तानाशाह सरकार भी होती है ना, तो तानाशाह लोगों की जो स्वतंत्रता होती है तो उसमें प्रतिबंध लगा देती है, समझ में आया ना। अब जैसे तालिबान जैसी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, मतलब समझो क्वेश्चन की डिमांड समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चन लिखो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी मैंने आज वो जो मेहुल है उससे मैंने फीडबैक मांगा कि कैसा गया पेपर, तो बोला कि GS2 खराब गया है मेरा, और इसका रीजन मैं फिर बता रहा हूँ ना, GS2 सब्जेक्ट भाई एक अंडरस्टैंडिंग मांगता है, और मैं जब तक आप NCERT का आंसर नहीं लिखोगे ना GS2 के क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख सकते। टीना डाबी के 80-85 नंबर आए, टीना डाबी के बहुत कम नंबर आए थे उसमें, और भाई वो नहीं लिख सकते, वो आप जो मार्केट में नोट्स मिलते हैं वो उससे नहीं लिख सकते, जब तक खुद की आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी तब तक नहीं लिख पाओगे, मैं सही बता रहा हूँ, देख लेना। मैंने क्वेश्चन देखे थे पॉलिटी के, लक्ष्मीकांत से तो होने से रहे हो जाएगा 50%। नो कौन बोल दिया तुम्हें उससे होंगे, उसे कभी नहीं होंगे, मैंने देखे तो मेरे को नहीं लग रहा था कि नहीं होंगे। अभी तो मैं बोला ना NCERT करो, नहीं तो नहीं होंगे, फिर करंट अफेयर पढ़ते रहो, तब वो दोनों चीजें मिक्सअप होगी तब जाके लिख पाओगे। अब देख लो उसका GS2 खराब गया, फिर बोल रहा था कि ऑप्शनल मेरा खराब चला गया, ऑप्शनल का सेकंड पेपर खराब चला गया, अब यही तो होती है। नहीं मैं तो ऑप्शनल, अभी मोनिका से बात हुई नहीं है, उसका देखो क्या होता है। चलो ठीक है, कानून की जरूरत, सरकार कुछ नियमों की जरूरत होती है, सरकार कुछ नियमों की जरूरत, ये क्या है अभी, क्या सेंटर फॉर्मेशन सरकार को? अब तुम यहाँ होते ना तुम्हें उठा के फेंक देता अरे मतलब यार एक बार, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, एटलीस्ट देखो जैसे मान लो कि आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा मैं बताती हूँ, देखो मैंने ये नहीं मन से नहीं लिखा था, मैं जब लिख रही थी ना तो फिर थोड़ा पंगा हो गया, और फिर मैंने फिर ये ऐसे ही लिख दिया जैसे मेरे को आ रहा था जो दिमाग में, क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा था, मैं लिख कुछ और रही थी। ये मत किया करो भाई, पढ़ाई कर लो चुपचाप। भला सुनो जैसे मतलब जैसे मान लो जैसे आप नहाए नहीं हो, मतलब एटलीस्ट नहाए नहीं हो तो भाई मुंह तो धो लो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ एक बार पढ़ लिया करो भाई। मेरे सामने इतना गंदा चेहरा मत लाया करो। पढ़ लिया करो एक बार। इससे तो नहीं होगा पूरा, मतलब समझो मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है गलती सुधरेगी, पर जब मैं ये एक ही गलती बार बार आ रही है तुम्हारी तो ये समझो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये तो एक ही PDF भेजा था उसमें तो आएगी। अभी उठा के फेंकता हूँ, देखता हूँ आज जो भेजा उसमें भी आएगी, देख लेना। सरकार कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो, जैसे संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें देश में। अरे कानून की जरूरत पूछ रही हो, कानून की क्यों जरूरत होती है? हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों को वो कानून मानने होते हैं, केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ये ताकत भी होती है कि लोगों की ये माने। अब कहाँ डॉट आएगा कहाँ नहीं आएगा ये क्या कब पता लगेगा तुम्हें? पास कैसे हो गए तुम हिंदी में, ये बताओ मुझे।
लोग ये मानने की अरे पास तो ऐसे नहीं होता, गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होनी चाहिए। अगर कोई बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो दंड का प्रावधान है सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर लोगों की। अरे बात ये नहीं है, बात ये पूछ रहे लोगों कानून की जरूरत क्यों होती है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ठीक है चीज़ें सब कुछ अगर मान लो सोशल जस्टिस इंश्योर करना है जो प्रीएम्बल में, ये कब लिखोगे तुम लोग? मतलब आई हैव एक्सेप्ट, तुम देखो सपना तुम लगभग 3-4 सालों से तुम तैयारी कर रही, मतलब समझो वो लेवल आना चाहिए कि मैच्योरिटी लेवल गेन करो, बच्चों जैसे मत लिखो आंसर, मुझे समझो ये चीज़ें गलती मत करो, फिर टाइम उस लेवल पे पहुंचने के लिए फिर कितना टाइम लग जाएगा, क्या होगा, फिर चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, समझा करो, तो अभी सीख लो, बच्चे जैसे मत लिखो। सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा तो वो कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे किसी के उसके जाति या धर्म के कारण सरकारी सेवा में अवसर से वंचित रखा गया है, वो उसे इस आधार पर न्यायालय द्वारा कानून का पालन ठीक नहीं हुआ। जैसे उस दिन वैशाली ने जो आंसर लिखा है उसने, चाहे उसने लिखा एक ही, मतलब उसने भाई थोड़ा बहुत मेहनत किया, एपॉक्स एक्ट लिखा, ये सारी चीज़ें लिखी, तो मतलब यू हैव टू ऑल्सो एड ऑन ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इफ यू कीप्ड सम नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक देन यू कैन राइट देम ना। मैंने सारा तो ये उससे लिखा है ना, ये एनसीईआरटी तो और कहीं तो लिखा ही नहीं है। बात ये नहीं है, आप एनसीईआरटी समझो, हाँ वहाँ से कुछ पॉइंट लो, अपनी तरफ से जो आपने इतना पढ़ा है, करंट अफेयर पढ़ा है, इतनी क्लासेस ली है, तो वो भी तो एड ऑन करो ना। अच्छा आगे से करूंगी। अतः कहा जा सकता है कि सरकार किसी भी देश के लिए आवश्यक तथा उसके दायित्व निर्वहन भी अत्यावश्यक है, ये गलती कब जाएगी तुम्हारी? अब देख लो पहले दिन भी थी आज भी है, इसलिए सरकार द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं, शासन करने में 15 में से 2 नंबर। तुम सबसे बड़ी बात है तुम क्वेश्चन लिखने में यहाँ पे गलतियाँ कर रही हो, अब क्या ही होगा, सोचो यू हैव टू, इसलिए बता रहा हूँ ना, कीप माइंड शांत रखो, माइंड को शांत रखोगे तब चीज़ें अच्छी होगी, हमेशा क्रांतिकारक विचार आते रहेंगे तुम्हारे मन में तो कैसे काम में चलेंगे, अब देख लो ना। चलो मैं आंसर में चलो ठीक है मान लिया, चलो ठीक है मेरा थॉट प्रोसेस सही नहीं चल रहा, तो अब भाई तुम क्वेश्चन लिखते देख के भी लिख रही हो गलत, तो फिर समझ जाओ। अरे नहीं हुआ नहीं, पता नहीं पहले से लिख देती हूँ, फिर वो उसमें नहीं एक तो जैसे मात्रा की गलती हो जाती है कि मात्रा मैंने उस उस पे लगा दी, उसको लगानी होती तो ठीक है। चलो कोई नहीं, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है, एक डिमांड ये हो गई। अब देखो यहाँ लोकतांत्रिक सरकार पूछा है, याद रखो अब अली इसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग हो जाएगी। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं थे। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को जो ज़्यादातर गरीब है वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, आपका क्या विचार है? सेकेंड डिमांड यह हो गई, क्या आपको लगता है कि ये भेदभाव का एक रूप है? थर्ड पार्ट है, ये भी मान लो 15 नंबर का क्वेश्चन है। लोकतंत्र जहाँ लोग ही सरकार की यह शक्ति देते हैं, उठा कर को अच्छा लिखो भाई, कहाँ से लिखा है? अरे मैंने एनसीईआरटी से लिखा था, बट अलग अलग चीज़ से लिखा था, मतलब अलग अलग लाइन से। वो समझ में आ गया ना? नहीं अलग अलग लाइन से लिखा था, मैं वो समझ गया, मतलब वही कनेक्टिविटी नहीं दिख रही ना उसमें। अरे आप खुद से एड ऑन करो, मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई, टीपने में दिमाग चाहिए। वो दिख रहा है तुम्हें, टीपने में दिमाग नहीं लगा रहे हो, समझो ये गलती है तुम्हारी, समझो कोई बात ठीक। मैं इसलिए क्यों बोलता हूँ तुम लोगों टीप के लिखो, मुझे पता तुम लोग टीपने में गलतियाँ करोगे। वो दिख रहा है यहाँ पे। अरे ठीक है चलो, लोकतंत्र जहाँ लोग ही सरकार के यहाँ शक्ति देते हैं, लोग चुनाव के माध्यम से अपनी पसंद के नेता, अरे एटलीस्ट सेंटेंस यू हैव टू, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ कनेक्टिंग वर्ड जोड़ दो ना, लोकतंत्र जहाँ लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं ताकि लोग चुनाव के माध्यम से अपनी पसंद के नेता वोट देकर चुनते हैं, मतलब समझो सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा बहुत ये अपना दिमाग लगाओ कॉपी, मतलब इसी में बोलो देखियो, वोट देकर चुनते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय में उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का शासन होता है। बात आपसे पूछ रहा है इसके आवश्यक लक्षण क्या है, ठीक है अभी देखते हैं आपने इसके बताए नहीं बताए। लोकतंत्र मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद की शासन करें, आज संभव तो लोकतांत्रिक सरकार के प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, जहाँ लोग सीधे भाग न लेकर चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिनिधि चुनते हैं, यहाँ प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के निर्णय लेते हैं, एक सरकार जब तक लोकतांत्रिक नहीं बन सकती जब तक उस देश के सभी वैसे नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं।
अब देखो ये आवश्यक लक्षण तुमने गायब ही कर दिए, क्या तुम्हारे आवश्यक लक्षण कहाँ पे? अरे मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, देखो जस्ट टू यू डिफाइन लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, ठीक है एग्जांपल दे दो, ठीक है जैसे भारत ये सब चीज़ें, ठीक उसके बाद में डायरेक्ट एक हेडिंग डालो आवश्यक लक्षण, और वहाँ पे फटाफट अब यहाँ पे फ्लो चार्ट डायग्राम का यूज करो, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन की डिमांड नहीं कर रहा वो आपसे, आपसे यहाँ पे बस कैरेक्टरिस्टिक जानना चाह रहा है डेमोक्रेसी की, बट सब ऐसी बात है उसमें क्या होता है, जनता की बात प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है, ठीक है सरकार जो है, सरकार जो है लोकसभा प्रति जवाबदेह होती है, मतलब समझो मतलब इस टाइप जो भी वाट एवर है जो है कैरेक्टरिस्टिक वो लिखो ना, तुमने कहाँ लिखा है कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, मतलब इसीलिए सपना तुम बच के नहीं रहो, मतलब समझो यू हैव टू, मतलब यूपीएससी तैयारी कर रहे हो ये चीज़ समझो, यू हैव टू सीरियस, मतलब देखो बात ये है ना कि एक बच्चा है, सोचो देखो मैं खुद बता रहा हूँ एक चीज़ समझा ध्यान से है ना, मेरे घर में है ना जैसे मेरे से छोटा वाला भाई है वो शायद 9 महीने का चलना सीख गया था, ठीक है अभी मेरे भैया का एक लड़का हुआ है और वो लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया अभी चलना नहीं सीखा वो, तो मतलब आप ये चीज़ समझो टाइम तो ज़्यादा रहेगा और आप उस लायक नहीं बनोगे, अरे जैसे सोचो ये 9 महीने में चलना सीख गया ये अभी भी नहीं सीख रहा है, मतलब लगभग तो कितना 14 महीने का हो जाएगा अभी, ठीक है अब समझो ये चीज़, अब जब भाई समझ में आते यूपीएससी में यही होता है, तो मान लो कि लॉन्ग प्रोसेस कर रहे हो सीखने में, सीख ही नहीं रहे हो तो भाई समझो सिलेक्शन तो होगा नहीं, अब ये लोग सिलेक्शन लेते जाएंगे फिर क्या होगा, मतलब समझो ये कंपटीशन की दुनिया है, ये चीज़ समझो थोड़ा अच्छे से मेहनत करो, क्या मतलब है टाइम देने का, देखो मैं सफल हूँ इसलिए समझो कोई चीज़ें ये इतना ईजी नहीं है, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा दिमाग लगाया करो आंसर लिखते हो, ठीक गांधी जी और बाल अधिकार, एक देश लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता जब तक उस देश के सभी नागरिकों को वोट अधिकार न हो, ठीक है परंतु अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे था जिसके पास संपत्ति थी, अरे इसको ऐसे बुलेट पॉइंट में मत लिखो अभी सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखो, परंतु औरतों गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था, इसी संदर्भ में गांधी जी ने के साथ कई नेताओं ने विरोध किया था, गांधी जी ने अपने पत्रिका यंग इंडिया में कहा था मैं विचार सैनिक कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वोट दे सकता है लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है संपत्ति शिक्षा नहीं वोट नहीं दे सकता, आप ही चीज़ सोचो, पहले तो आपसे ये पूछ रहा है कि आप इस विचार से सहमत हो, तो आप पहले आप बोलो कि हाँ सबको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, फिर उसके पहले तो ये बताना पड़ेगा ना कि क्या हुआ तो क्या, फिर उसके बाद लिखा है मैंने, डायरेक्ट क्वेश्चन भाई सुनो, मतलब सोचो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि सपना मुझे मथुरा आना है तो कैसे आना है, तुम बोलो कि नहीं, अब तुम मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो कि तुम कहाँ पे रहते हो पहले ये बताओ, मतलब भाई मैं समझो मतलब भाई सीधे बताओ दिल्ली से ये ट्रेन पकड़ो यहाँ से ये पढ़ो खत्म, अब उसको घुमा फिरा क्यों रहे हो आप, डज नॉट ये कोई डिमांड है ही नहीं, तुम तो पॉइंट लिखना सीखो, मतिका न देने भेदभाव का स्वरूप क्यों, हमारे देश की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता की बात की गई है, तो सिर्फ गरीबों और अनपढ़ लोगों को मातृत्व वंचित रखना भेदभाव को जन्म देता है, जब हमारे देश के संविधान मूल अधिकार 1970 में सभी के सम्मान तथा मूल कर्तव्य सभी के लिए है, ए अनुच्छेद 17 पता भी है क्या है, अरे 14 लिखा है वो, ये कहाँ से 14 दिख रहा है मुझे बताओ, कहाँ से दिख रहा है कैसे समझ अच्छा, वो गलत हो गया सिर्फ मेरी लिख देता है शिक्षा के कारण मत देना भेदभाव का कारण शुरू, जब स्वतंत्रता संग्राम में लोगों में भेदभाव नहीं, मुझे मतलब समझो तुम लोग क्या ना मतलब मुझे ये वर्ड बोलना नहीं चाहिए पर तुम क्या करो, मतलब तुम लोग क्या ना, बोल दो तुम लोग है ना सब एक दूसरे को, मतलब तुम में ना अभी कोई मुझे ऐसा स्टूडेंट मिला नहीं जिसका मैं यहाँ एग्जांपल दूँ, मतलब क्या होता है क्लास में है ना सब एक जैसे बच्चे बैठे रहते हैं ना, मतलब सब पढ़ने में डिमडोल है तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, अब तुम लोगों में से कोई एकाध कोई अच्छा आंसर लिखेगा ना तब तुम लोगों की आँख खुलेगी, फिर मैं बताऊँगा कि हाँ ये बंदा है कि एलिजिबल है यूपीएससी के लिए, फिर तुम लोगों को जब है ना कंपटीशन की भावना है ये इसलिए ना कुछ अच्छे बच्चे होने भी चाहिए अब तुम लोग कुछ तो पहली बात तो लिखते ही नहीं हो, एटलीस्ट तुम लिख रही हो बस, इसके अलावा देखो कितने हैं, अब सोचो 20 लगभग मेरे पास है ना 20 का साइज 20 है उसमें से आए इधर उधर लोग भाग गए, देखो यूपीएससी मैं आज यही बताना चाहता हूं। चलो ठीक है अभी ये क्वेश्चन पढ़ लेता, मतलब समझो कि कंपटीशन ऑटोमेटिक गायब हो जाता है यूपीएससी में जब स्वतंत्रता संग्राम में लोगों में भेदभाव नहीं हुए तो मताधिकार न देखकर भेदभाव को जन्म देता जो जनता के हृदय में नकारात्मक हो सकता है, ये क्या है ये क्या सपना हृदय होगा ना, ये हृदय दिख रहा है कहाँ, अरे हृदय ऐसे लिखा जाता देखे जाके
जब देश की जनता का अधिकतम योग धैर्य लिए योग, अब मैं इसको क्या समझू बताओ, ओग समझू योग, योग मतलब कि उनकी ज्यादातर संख्या। अरे लोग है ये, लोग ऐसे लिखते हैं भाई, ऐसे लिखते हैं। अच्छा ये मेरे को दिख नहीं रहा है ठीक से, ये देखो ये देखो, गरीब मजदूरी अशिक्षा लिंग भेद से जूझ रहा हो, ऐसे में लोगों सिर्फ नीने में रह जाएगा जो भेदभाव को जन्म देते हैं। देश के विकास में सभी को भागीदारी है, जिसे मानव पूंजी का नाम दिया जाता है, जैसे वंचित तक से लेकर अभिजन तक का योगदान होता, सिर्फ कुछ मताधिकार क्यों भेदभाव के स्वरूप हो। अतः स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक सरकार किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें देश के नागरिकों की भागीदारी होती है, परंतु लोकतांत्रिक सरकार में वयस्कों का मताधिकार नहीं होगा तो यह लोकतांत्रिक सरकार में नकारात्मक ला सकते, इसलिए लगातार सरकार सभी भागीदारी संचित करना ठीक है, परंतु चीज़ें वो नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है जितना चीज़ें होना चाहिए। ठीक है सपना, मुझे पता है तुम गलती करते रहो, लिखते रहो, सीख जाओगे, पर उन लोगों का क्या जो लिखते ही नहीं है। अरे मुझे तो टेंशन होती है कि मैं इतने दिन से लिख रही हूँ, हो ही नहीं रहा। मैंने पता है कब का लिखा है, एक साल में तो लिखा ही नहीं, अब लिखना शुरू किया है। यही अब देख लो तुम क्या है, फिर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, सोच लो झूठ मार के। अरे मैंने पिछली तो की नहीं, मैंने तो प्री की थी, जब आपसे फोन किया था मैंने मेंस की तो बिल्कुल नहीं की। यही होता है 90% लोग पीटी की तैयारी करते हैं यूपीएससी में। चलो मैं आपको बता, वो भी तब की थी जब आपने मेरे से कॉल की, मैंने जब कॉल पे बात की थी ना तब मेरा मन आया था कि हाँ चलो ठीक है कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा मन था ही नहीं इस लास्ट ईयर देने का। फिर क्या ही करोगी तुम, मन करेगा तो करोगी। तैयारी कर लो निकल जाओगे है ना, आज मेरा मैं एक डाटा बताता हूँ सुनो। अभी एक डाटा बता रहा हूँ तुम लोगों को कि मेरे पास कितने स्टूडेंट है। अब तो मैं कर रही हूँ ना, जैसे मैं पे फर्स्ट टाइम पे जब मिली थी तो वैसे करती थी, अभी भी कर रही हूँ मैं वैसे ही। सुनो सुनो सुनो, देखो मेरे पास है ना फाउंडेशन बैच में एडमिशन है, लगभग ये 13 बच्चों का एडमिशन आया था, 13 में से फिर देखो सुनो 13 बच्चे थे, सुनो ध्यान से, तो एक तो स्टार्टिंग में भाग गई ठीक है, अब पूरा करना फीस वीस लिया, फीस जमा किया, फीस वापस रिटर्न भी कर दिया। देखो मैं फीस नहीं रखता, अब चाहता तो मैं एक बोल देता कि भाई फीस किस बात की, जब आप नहीं ये चीज़ें गलत है तो गलत है ठीक है, देखो मेहनत का पैसा कमाना चाहिए कोई मतलब नहीं ठीक। मैंने उसको फीस रिटर्न कर दिया, देखो वो गया, वो बोली मैं यूपीएससी तैयारी नहीं कर रही छोड़ रही ठीक है। 13 में से एक तो गया, ये एक कंपटीटर गया आपका ठीक। फिर एक थी, हाँ एक थी जो मतलब वो यूपीपीसीएस के लिए, उसका यूपीएससी में अटेम्प्ट खत्म हो गए और यूपीपीसीएस के लिए आई थी, फिर वो भाग गई, वो अदर कोई कुछ कुछ करना तो वो नहीं लिया एडमिशन ठीक। अब ये मान के चलो मोटा मोटा 11 लोग हैं ठीक है, 11 में नाम बताओ, नर्मदा, सना, भारती है, श्वेता है, नगीना है, प्रतीक्षा, जयेश, वैशाली, अभिषेक, पूजा, अमित। अब देखो एक एक का सुनना, अभी देखो मैं मतलब मैं आप लोगों को ना ये बता, अरे ये आप ये मत सोचो कि 11 लोग, रियलिटी में यूपीएससी का जितने भी बच्चे हैं ना उसमें भी यही रहता है। अभी देखो सारी आँखें सामने आएगी तुम लोगों की है ना, मतलब तुम लोगों की आंखें खुलेगी, मतलब इसलिए बता थोड़ा सा मेहनत कर लो। देखो अदर एग्जाम के कंपैरिजन में ना यूपीएससी में बहुत ईजी है, मैं सही बता रहा हूँ। अब ध्यान सुनो, अब ये तो है, ये तो फाउंडेशन वाले बैच है, आंसर राइटिंग में फिर थी सभा थी ठीक है, तो ये मतलब 13 बच्चे तो हो गए फाउंडेशन वाले ठीक है, एक सभा थी, आराधना थी जो आज तक गायब है कुछ पता नहीं एक, उसके बाद में रीना थी, ये भी पैसे पे करके भाग चुकी है पता नहीं ठीक, और तो ये कितना लगभग कितने हो गए सर, ये पक्का प्री की तैयारी में आएंगे आप देख लेना। हाँ वही वही तो बता, रुक जाओ अब देखो, ये आंसर राइटिंग बैच लिए थे 3, तो 3 कितना 16 हो गए। फिर आगे देखो पीटी का जो बैच लिए थे, पीटी कौन ले, पीटी तैयारी करनी है उनको, वेद और राजेश, ये झारखंड से है ठीक है, ये है, ये पीटी का बैच लिया है और पीटी में नहीं आते क्या करोगे ठीक है। अब आगे है हाँ कुछ बच्चों को मैं मतलब यहाँ जो ऑफलाइन में थे, सिफा थी ठीक है, और सिफा थी, अमीशा थी, ये बहुत लोग 10 लोग और यहाँ थे, ये ऑफलाइन में थे 10 लोग ठीक है, तो कितना 26 हो गए ठीक है। फिर उसके बाद में
हाँ, 10 लोग थे यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं हकीकत बताता हूँ, तो सब लोगों की है ना, वृद्धि विद्धि ये मान के चलो, ये हो गया। अरे एक मेंटरशिप के लिए आया था दीपक, वो तो यूपीसी छोड़ने का प्लान बना लिया, फिर एक दिन मैं कॉल किया उसको, फिर दोबारा उसको बोला, ठीक है। तो मतलब मोटा मोटा ही मान के चलो कि 30 लोग थे ये, मतलब ठीक है, जो मेरे पास आए भाई यूपीएससी में करना है, बहुत सारे यहाँ सोचो दिल्ली में रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अब उनका हाल देखना, 30 ये लोग हैं। अब देखो ध्यान से समझना, अब देखो यूपीएससी के लिए क्रैक करने के लिए सब ऐसी बात है कि आपको मेंस करना पड़ेगा तभी होगा, तो 1750 नंबर का मेंस होता है। अब ध्यान से समझना ये कंपटीशन कैसे क्या है, 30 लोगों में से तुम देखो तुम लोग कितना क्लास करते हो। अभी देखो अभी अभी सारा डाटा निकल के आएगा, मतलब समझो ये रियलिटी में बताओ, यूपीएससी यही है इसलिए इतना इजी। अब सुनो, जो फाउंडेशन वाले बैच है, जैसे नर्मदा चलो मान लो रेगुलर क्लास ले रही है, आजकल ये लापरवाह कर रही है, ठीक है। सना देखो अब यहाँ आइए, जब से वो लापरवाह, वो भी क्लास नहीं करेगी, मैं पक्का जो यहाँ आ जाता ना वो क्लास नहीं करेगा, ठीक है। मतलब अब तक क्लास कर रही थी, भारती भी बीच में आती है और कभी आती कभी नहीं आती, ठीक। श्वेता है वो बीमार चल रही है, क्लास करती है नहीं करती, वो ना के बराबर ही है अभी, ठीक। उसके बाद ये नगीना है, ये थोड़ा मुझे नगीना सीरियस लगी, इसका असली पता तब चलेगा जब ये आरस दे के आएगी, मतलब ये बोल रही है कि चलो ठीक है मैं अभी आंसर राइटिंग इसलिए नहीं कर रही हूँ। हाँ परंतु इसका देखा मैं, ये सीसेट का पेपर दे लेती है, ठीक है। मतलब ठीक, अभी तक मुझे इसका रिस्पॉन्स अच्छा लगा, मतलब इन सब लोगों में से एटलीस्ट इसका मुझे अच्छा लगा, नगीना का, ठीक है। प्रतीक्षा का कोई अता पता नहीं है, ठीक है, फीस भी जमा नहीं कराई तो फिर मैं इतना ध्यान भी नहीं दिया, ठीक है। जेएस है, ये बंदा सोचो पैसे जमा करा दिया पूरा कंप्लीट। एक टाइम में 1 टाइम पेमेंट किया, रात तक कोई आता पता नहीं ना, मैं मेरा फ़ोन उठाता भाई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरे से बात तो करे भाई, क्या दिक्कत है, मेरे से फ़ोन भी नहीं उठाता, मैं कैसे समझाऊँ उसको, ठीक है। वैशाली है, ठीक है। अब वैशाली का देखो, वो आंसर लिखती है वो अपने पास ही रखती है, मेरे को कभी नहीं भेजती, क्या मतलब हुआ फिर, ठीक है। मतलब कैसे काम चलेगा, मैंने पढ़ा, अरे वो क्लास भी प्रॉपर टाइम से नहीं आती है, कभी आ रही है आधा घंटे के लिए, कभी 10 मिनट के लिए आ रही है, ये मतलब गलती है। अब सोचो तुम लोग मेरे पास पैसे पे क्यों, बात पैसे की नहीं, बात है कि मैं सही बता रहा हूँ ना, मेरे गाइडेंस कर लो, नहीं तो यूपीएससी दूर दूर का सपना ही रह जाएगा फिर। मतलब तुम लोगों को ऐसा लगता रहेगा कि तुम लोग तैयारी कर रहे हो, पर रियलिटी में कुछ ही नहीं होगा, ठीक। अगला अभिषेक, ये बंदा भाई जॉब वॉब के लिए इधर उधर भाग रहा है, बोला मैं फाउंडेशन में लूँगा, पैसे भी जमा नहीं कराया, इधर उधर गायब है, बोला मुझे जॉब चाहिए, ये फलाना दिखाना जो भी है। पूजा है, पूजा सीरियस है, मैं तो आंसर राइटिंग करो पूजा, थोड़ा ठीक है, पूजा क्लास भी कर रही है रेगुलर, ठीक है, पूजा सिंसियर है। अमित भाई अपने आज तक एक भी आंसर लिख के नहीं भेजे हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझो, मतलब ये क्लास कर रहे हैं, अब देखो पहली बात, ये 13 लोग हैं जिसमें से सोचो 3-4 लोग हैं, मतलब 3-4 लोग हैं जो थोड़ा बहुत हाँ ठीक है, मतलब अब सोचो ये इनके तो और के तो भूल ही जाओ। अब आखिरी में सोचो कि तुम लोग कितने, मान लो कि तुम लोग बचे हो आखिरी में, जो रेगुलर क्लासेज भी आ रहे हो, 1 2 ठीक है, 3 4 5 6 7, अरे सपना होगी, 8 लोग, ठीक है। अब 8 लोग तुम हो, सोचो कंपटीशन देखना कहाँ से 30 से 8 पे आ गया। अभी देखो, अब इसमें भी कंपटीशन देखना, अब 8 लोगों में से भाई सब ऐसी बात है, तो जैसे अमित, अमित क्लास ही देखते हैं आज तक आंसर राइटिंग नहीं किए, तो अमित क्या होगा, बिना आंसर राइटिंग तो कुछ यूपीएससी कभी होगा नहीं, ठीक है। तुम मुझे आज तक कभी तुम सीसेट का स्कोर भी नहीं बताए, तो ऐसे कैसे काम चलेगा अमित, तो मैंने किया है बट अभी बता दो इसको, हाँ ठीक है, मैं चलो ठीक है, मैं देखता हूँ तुम्हें, कोई बात नहीं, मैं अगले में, और मैं बता रहा हूँ सर, मैं चैप्टर वाइज आपके जितने भी अभी तक कराए हैं आपने क्लास सर, क्या बोलते हैं मैथ्स के नंबर सिस्टम सारे के मैं नोट्स भी आपको भेजूंगा सर, कि मैंने बनाया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक ठीक कोई बात नहीं। अब देखते हैं, मैं इसे चलो तुम दोनों नगीना को और मैं तुम दोनों को अभी ले रहा हूँ कि यू हैव टू सीरियस स्टूडेंट, ठीक है कोई बात नहीं, चलो ले लेते हैं, ठीक है। अब अगली बात आती है नर्मदा, चलो ठीक क्लासेज करे, पर ये ऐसे के अलावा कुछ ही नहीं लिखती है। अभी है कोई नर्मदा यहाँ पे है, ये इससे ऐसे लिखवा लो तुमसे, उसके अलावा आज तक क्वालिटी कंप्लीट करने के चक्कर में डिप्रेशन में चली गई हूं। ए भाई तुमने मतलब समझो, मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा, कैसे आईएएस बनोगे, मतलब अब सोचो कि मैं एटलीस्ट तुम लोगों को मैं रियल फीडबैक दे देता हूँ, नहीं सोचो मेरे को क्या जा रहा है, नहीं तो मैं तो सोचो हाँ अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है,
मतलब समझो, मतलब ऐसे तो आईएएस नहीं बनोगे, मैं अभी बता रहा हूँ कौन लोग आईएएस बनने लायक है अभी, ठीक है। तो नमता का ऐसा है कि ऐसे लिखवा लो भाई, हाँ मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे ऐसे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, पर बात है कि कैसे, पर बात है पहले तो पीटी निकले, तुम सीसीएट का भी आजकल टेस्ट नहीं देती हो, मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक। फिर सना यहाँ पे आई है, ठीक है, उसने कमिटमेंट किया था याद करो, और उसके बाद में आज तक मेरे पास तो कभी एक उसका ना दो आंसर आए अभी, हाँ आज वो देखो आज यार वो यहाँ पे आई है जब से क्लास भी नहीं करती है, एटलीस्ट घर पे थी तब तो क्लास तो कर लेती थी, मतलब ठीक है कोई नहीं, ठीक अब ये है, ठीक। तो अब देखो सना मेरा भी आंसर पुट कर लीजिएगा, हाँ करेंगे करेंगे, भेज दिया क्या आपने, भेज दिया, हाँ ठीक करेंगे करेंगे, कंपटीशन बता रहा हूँ तुम लोगों को, खुश हो जाओ, जो ईमानदारी से प्रयास करोगे निकल जाओगे। अरे ये बात इन्हीं बच्चों की नहीं, ये 30 बच्चों की नहीं, ये यूपीएससी की, पता नहीं अभी ना हम खुश नहीं होते, जब जिस दिन होगा ना उस दिन ही बात खुश होंगे, अभी तो कुछ पता ही नहीं, ठीक है चलो कोई नहीं, बस एक ना मेहनत कर रहे हैं कि हाँ, बस पता है कि आईएएस होते हैं। अरे ठीक है समझो, मैं बता रहा हूँ लोग कैसे गलतियां करते हैं, अभी भारतीय इसका जॉब है तो आधे से टाइम तो जॉब को लेकर परेशान रहती है, फिर इसको करना होता तो ये सोचते हैं कि मैं यूपीएससी क्यों करूँ, मैं आरएस एग्जाम में कर लूँ, तो ये उधर ऐसे बिजी है, यूपीएससी को फुल फोकस है, नहीं तो क्या होगा, ठीक। श्वेता बीमारी चल रही है किसका, ठीक है, भारती भारती है, ठीक है, ये तो ऐसे गायब भाई ये लोग तो, वैशाली क्या ही बताऊँ उसको, तो आज तक उसने कभी टेस्ट का मुझे स्कोर नहीं बताया, आज तक एक इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, आज तक मुझे कभी एक टेस्ट का स्कोर नहीं, उसका एक आंसर आया है अभी तक ना, कभी एक ऐसे आया मेरे पास, ठीक है सर, मेरी आज 28 आई थी सेट में, हाँ 28 नंबर, तो मतलब मेरा कहना मतलब कि 8 में से अभी 3 लोगों को, मतलब थोड़े बहुत सीरियस है, मैं उनको ऐसे नहीं बोला यूपीएससी निकालने लायक कभी एक भी नहीं है, जो यूपीएससी के लिए लाइक जो मेहनत चाहिए वो एक भी लोग नहीं कर रहे हैं, जो प्रॉपर सोचो, मैंने इतने दिन बोला इंडियन सोसाइटी आंसर राइटिंग कर लो, किसी ने नहीं किया, तब सोच लो ये हालात है सर, बोलियो भी मत, नहीं तो छोड़ देंगे पढ़ना, ठीक है ऐसे ही बोलते रहे। चलो ठीक है, सपना का चेक कर लेते हैं, मतलब समझो देखो यही गलतियां करते हैं लोग, फिर यहाँ पे फिर बोलते हैं कि आईएएस नहीं बनते, हिंदी मीडियम से आईएएस या जो भी, फिर मेरी ना मतलब सिलेबस तो खत्म होती ना तो मतलब पूरी फुल्ली टाइम, लेकिन मेरे पास सब भी बहुत मतलब 6 महीने लगता है, 2-3 महीने मुश्किल है, क्या ही कर सकते, ठीक है ठीक है कोई नहीं, चलो ठीक है अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका, मतलब समझो मतलब थोड़ा सीरियस बनो, मतलब यूपीएससी की तैयारी मतलब एक सिंबल के तौर पर मत करो कि आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट, और वो तमका लेके मत घूमो, मतलब भाई वो मत बने रहो, ये सोचो कि मैं उस पार कैसे जाऊं, सर मैंने तो सबको ऐसे बता के रखो, क्या बोलेंगे सभी बोलेंगे ना, तो यूपीएससी का मतलब तैयारी कर रहे हो, सभी बोलते बीपीएससी का तैयारी, यूपीएससी के बारे में किसी को बताते ही नहीं है, तो सभी बोलेंगे बता दो सबको, बोलेंगे पापा पढ़ने के लिए नहीं मतलब एसडीएम बनने के लिए, वो तो पता नहीं, वो तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, हम एक अच्छे इंसान बनने के लिए कर रहे हो, पता नहीं, चलो कोई नहीं, बोल देंगे ना सर एसडीएम बन जाएंगे तो पक्का वो सबको यकीन हो जाएंगे, पता है बहुत भरोसा हो जाता है पेरेंट्स को, चलो कोई नहीं, पंदे को मतलब समझो, एटलीस्ट मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, देखो इस एग्जाम के मैं बिल्कुल नज़दीक भी पहुँचा हुआ हूँ, मतलब पीटी का मान लो मेरे 92 नंबर आए हुए हैं, तो मतलब वो तो मैंने क्रेक ही कर दिया था एक तरीके से, सीसे नहीं निकला, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, सोचो मैंने जब इतनी मेहनत करके मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ, तो तुम लोगों की जब मैं मेहनत देखता हूँ ना मतलब बहुत कम है, समझो सोचो, अभी भी मैं खुद भी बैठा हूँ यहीं पर, तो सोचो मैं पहले तो एटलीस्ट तुम, मैं देखो एटलीस्ट तुम मेरे लिए बराबर तो आओ तुम लोग पहले, समझो कोई चीज़, मतलब मेहनत करो, ठीक है चलो कोई नहीं। महिला मताधिकार क्या है, उसकी उपलब्धि क्या थी, महिला मताधिकार जहां महिलाओं को मत देने का अधिकार होता है, जिसकी वजह से वह सरकार को प्रतिनिधि चुनने में अपने योगदान देकर एक लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी बनती है, ठीक है। यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को मताधिकार नहीं था जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किए, बात ये नहीं, देखो टू द पॉइंट लिखो, महिला मताधिकार क्या होता है, उसकी उपलब्धि क्या थी, ठीक है ठीक है, आपने चलो देखते हैं क्या उपलब्धियाँ, हाँ मतलब टू द पॉइंट लिखा करो, इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है, हाँ ये लिख सकती हो कि महिलाओं को मताधिकार लिए रोजा पार्क्स था उसने किया था, जो अपने देखा था उस टाइम, ये मतलब जो भी है ठीक है। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए संघर्ष प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उदय हुआ, जिसे महिला मताधिकार कहते हैं, जिसमें युद्ध में पुरुषों को युद्ध पर जाना पड़ा था, जिसका कार्यभार महिलाओं को करना पड़ा, अब ये जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन डिमांड है नहीं।
और जब लोगों ने देखा कि आश्चर्य हुआ तथा इसी कारण महिलाओं की क्षमता को देखते तथा अपनी रूढ़िगत धारणाएं खत्म कर उन्हें निर्णय के समान रूप से माना जाने लगा तथा बाद में मताधिकार मांग उठने लगी। अनुच्छेद 1920 तथा ब्रिटेन 1928 में मताधिकार प्राप्त हुई। मतलब इतना नहीं, ठीक है, टू द पॉइंट लिखो, मताधिकार क्या है, महिला मताधिकार, ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक दे दिया, ठीक है, छोटा सा लगा था। तो फिर उपलब्धि बताओ, महिला मताधिकार से देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई तथा वर्षों पुरानी रूढ़िगत भावनाओं के अंत से महिला की समानता मिलने के लिए प्रयास। अब देखो ये इनकम्प्लीट है, और दूसरी सुन लो आपकी बात, जो ये वुमेन रिजर्वेशन बिल है ना, पक्का लिख लो, यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन आएगा 100% लोकसभा। हाँ हो गया, पास हो गया यार, हो जाएगा, वो हर जगह से पारित हो जाएगा, तो समझ रहे हो ना, 100% क्वेश्चन आएगा इसका, तैयार कर लो अभी से, ठीक है। और मैं पहले बता रहा हूँ, मतलब अप्लाई, देखो अप्लाई होते तो 2030 हो जाएगा, ये बीजेपी का एजेंडा था कुछ ही नहीं, अब ये चुनाव इनको वोट बैंक जीतना था, सीधी सी बात है, मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा एजेंडा खेला उन्होंने, ये वाला चुनाव भी जीत जाएंगे इसके कारण, और अगला वाला चुनाव भी जीत जाएंगे इसी के कारण, कुछ रखे होंगे अगले चुनाव के लिए भी, कुछ ना कुछ अगले चुनाव के लिए भी रखे होंगे अपने पंडोरा बॉक्स में। वो सर, इन्होंने दो बार तो वो वाला गेम खेला था कि शहीदों, मतलब सिपाहियों पर हमला करने वाला, अब इन्होंने महिलाओं को दांव पे लगा दिया। हेलो, बोलो, इसका वो जनगणना से भी कुछ रिलेशन है क्या इसका बिल का? अरे मतलब ये देखो, ये बीजेपी का एजेंडा था, ऐसे कोई जरूरत नहीं थी, चाहते तो अभी से भी लागू करना चाहते ना कर सकते थे, परंतु अभी इन्होंने क्या बोल दिया कि जब तक जनगणना नहीं हो, 2026 में जनगणना होगी, फिर परिसीमन आयोग बैठेगा, फिर वो बोलेगा, फिर मतलब वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, भूल जाओ अभी, महिलाएं खुश ना हो, ये बताओ कैसा है, पोस्ट डेटेड जो चेक होता ना वैसा है कि हाँ भविष्य में तुम्हारे बैंक में पैसा आएगा। याद रखना एससी एसटी में होगा, परंतु ओबीसी में नहीं बोला, इसलिए तो ये जो कांग्रेस वांग्रेस ओबीसी के लिए भी मांग रही है कि ओबीसी को भी कोटा दो उसमें, तो ओबीसी में हो गया तो फिर वो नहीं हो जाएगा विरोध। अरे सपना तुम समझ नहीं, सुनो ध्यान से, इधर जैसे मान लो कि अभी 500 में से मान लो कि 100 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हुई है, तो उसमें ऐसा होगा कि 50, जैसे मान लो आरक्षण का जो फॉर्मूला वही सेम, तो 50% जो महिला होगी वो जनरल से आएगी, और 50% जो महिला है अभी इसमें, जैसे 27% ओबीसी से, और मान लो 7% एससी से, और 14% उससे एसटी से, मतलब कितना बचा, 34, 16% ऐसे, तो उसमें क्या दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें क्या दिक्कत होगी? अच्छा सर, जाति के आधार पे तो आरक्षण नहीं है महिला को, सिर्फ महिला होने के नाते आरक्षण। हाँ नहीं, उसमें एससी एसटी को दिया है, एससी एसटी महिलाओं के लिए रहेगा, परंतु अभी ओबीसी को नहीं दिया, तो ओबीसी की डिमांड होगा, ओबीसी की डिमांड चल रही है, ओबीसी महिलाओं को भी दो उसमें, ठीक है। आगे देखो, महिला मताधिकार देश विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई तथा वर्षों पुरानी रूढ़िगत भावनाओं के मत से महिला की समानता मिलने के लिए प्रयास, महिला सशक्तिकरण में सहायक तथा महिलाओं को उनकी योग्यता प्रस्तुति का अवसर, महिला आज राजनीति में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका सकारात्मक प्रस्तुतिकरण देने में सफल रही है। अथा मताधिकार, अरे 5 पॉइंट लिखा करो, एक चीज़ में कितनी बार बोला हूँ, जब मिनिमम 5 पॉइंट तो जरूर लिखा करो, यू हैव टू सर्च आउट। अतः मताधिकार एक लोकतांत्रिक देख का परमारी, इतने अच्छे पॉइंट नहीं है जो भाई, सब बात क्या है, उपलब्धि यही है कि महिला वोट नहीं, बहुत सारे थे बट उस टाइम यही याद आए। अतः मताधिकार एक लोकतांत्रिक देख का देश का, अभी देश ये कहां से देश दिख रहा है बताइए मुझे, अरे पढ़ लिया करो एक बार, मैं फिर बता रहा हूँ, प्रमुख लक्षण है जिसमें सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार होना चाहिए, परंतु अगर महिला को मत देने का अधिकार नहीं है तो महिलाओं के विकास के साथ देश के विकास में बाधक सिद्ध होगी, इसलिए सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए। चलो ठीक है, कितने ना, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 0.5 नंबर, अरे ठीक, हाँ, इतना ही मिलना चाहिए। चलो ठीक है, अब इसका एक बार रिद्धि का चेक करते हैं, फिर वो चलो रिद्धि का देखते हैं, देव वाह वॉट ए रिप्रेजेंटेशन, देखो सीखो रिद्धि से, चलो देखते हैं अभी इसका भी, मतलब देखो दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर देखते हैं अंदर क्या राइटिंग बहुत अच्छी है रिद्धि की, ठीक है चलो ठीक है। भारत का संविधान शायद आई थिंक इसका फर्स्ट आंसर है, भारत का संविधान समानता के बारे में एक लिखा था वो इनकम्प्लीट था, जो भी
भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है, आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो पहली डिमांड ये है, दूसरी डिमांड ये है, भारतीय संविधान जब सब व्यक्तियों को समान मानता है, समानता करता है कि देश के व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, उस सब समान माने जाएंगे। थोड़ा ना थोड़ा रिद्धि तुम्हारा ना जो हिंदी है ना वो सही नहीं है, सब ऐसे नहीं लिखा जाता, थोड़ा मतलब थोड़ा, अब इसको दिक्कत ये है ना, ये गुजराती भी जानती है, इंग्लिश भी जानती है और थोड़ा बहुत हिंदी भी जानती है, तो ये अभी समझ में नहीं आ रहा कौन सा लैंग्वेज ले, इसलिए देखना कुछ कुछ वर्ड्स गलत मिलेंगे इसका देखना। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें कुछ निम्नलिखित है। वाह, अभी ये रिप्रेजेंट ऐसा कानून के समक्ष समानता में कानूनों के समान संरक्षण, रोजगार में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत और उसका आचरण निश्चित, सेना या विदेश संबंधी सम्मान के सिवा सभी उपलब्धियों पर रोक, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, दुकानों, होटलों, गोतालाबों, स्नान घटो आदि में प्रवेश की समानता। ठीक है, बहुत अच्छा है, आकृति बात से देखो। वाह, अब देखो अगला पार्ट है, समानता होना क्या जरूरी है, ए इतना नहीं लिखने की जरूरत थी, वाई वाई द राइट लाइक प्रियम्बल कौन बोला आपको लिखने के लिए इतना भी मत लिखो। हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभ्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी व्यक्ति गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी संविधान सभा में आज तारीख, कोई मतलब नहीं है, ये जरूरत ही नहीं है, दैट नॉट रिक्वायरमेंट, मतलब समझो देखो क्या लिखना है क्या नहीं, कोई मतलब ही नहीं, मतलब ऐसा लिख दो कि जब यहाँ पे लिखा था इतना आगे लिख दो कि प्रेमल में मेंशन किया गया है समानता के बारे में, बस खत्म, मत इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, यही गलती होती है। देखो समानता के बारे में क्या कहता है, आपको क्यों लगता है कि सभी भाग में समानता, देख लो पक्का मैं बताऊँ, इसका इसने इस वाले पार्ट का आंसर नहीं लिखा होगा, इसने अब ये भटक गई अपने रास्ते से। राजनीति निर्देशक तत्व में भी समानता के बारे में बात की है, लोगों के जीवन स्तर से ऊंचा उठाना, संसाधनों समान वितरण, समान नागरिक संहिता, लोगों, अब आपने क्या क्या सारे आर्टिकल मेंशन कर दिए ना, यू हैव टू राइट ओनली बस कि यहाँ राजनीति निर्देशक तत्व में समानता के बारे में बात की गई है, सबके कल्याण के बारे में बात की, खत्म, बात इतना क्या लिखने की जरूरत है। हम जाति राजनीति न्याय महिला को समान कार्य की समान मजदूरी, 6 वर्षों से कम आय के बालकों के लिए पारिवारिक वाले उसे देख रेख और शिक्षा, भारतीय संविधान भाग 4 नागरिकों मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 भारत सभी लोगों में समस्त समान भारतीय भावना का निर्माण करे, नो ये नहीं आएगा। अब देखो ये इतना वाई यू राइट, अभी देखो टाइम भी लगा, मतलब समझो क्वेश्चन की डिमांड समझा करो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो ये कॉलेज वाला आंसर लिखने में सोचो कि पेज भर देंगे नंबर आ जाएगा, उसे नहीं आएगा, काम की चीज़ें यहीं तक थी, उसके बाद में तो इतना ज़्यादा वो अच्छा है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, समानता होना क्यों जरूरी है। समानता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी व्यक्ति की गरिमा को बरकरार रखती है, गरिमा का अर्थ है आत्मसम्मान, और यह आत्मसम्मान जो एक व्यक्ति के साथी इंसान होने के, थोड़ा समझो, एक व्यक्ति एक साथी, मतलब समझो सेंटेंस फॉर्मेशन ख़राब हो रहा है यहाँ पे, इंसान होने के नाते दूसरे से प्राप्त करना चाहता है, यह एक आवश्यक और बुनियादी मानव अधिकार है, मतलब पॉइंट बहुत अच्छा है, पर सेंटेंस फॉर्मेशन देखो, समानता इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी मनुष्यों का रंग, लिंग, नस्ल या राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना समान मूल्य है, मनुष्य अपनी सामान्य मानवता के कारण समान विचार और सम्मान के पात्र हैं। ठीक है, समाज के पिछड़े वर्ग भी अपने समुदाय को विकसित कर समाज के साथ कदम मिलाकर चल पाए, उस नीच के भेदा दूर हो, अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी और अवसर मिले। समानता के सिद्धांत को यथार्थ बदलने के लिए औपचारिक समानता कानून के समक्ष समानता अवसर तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है, लोग समान अधिकारों का उपयोग कर सके उनसे अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक है, जैसे कि विकलांगों की सार्वजनिक स्थान पर विशेष दलान वाले रास्तों की मांग निश्चित होगी क्योंकि सिर्फ उन्हें सार्वजनिक भवनों में प्रवेश कराने समान अवसर मिल सके, रात में कॉल सेंटर काम करने वाली महिला कॉल सेंटर आने वाले कभी है ना, कंक्लूजन इतना बड़ा नहीं लिखा जाता, 30 से 40 वर्ड का इसे ज़्यादा नहीं। अब मतलब समझो देखो गलतियाँ तुमने क्या की है, पहले तो जो नहीं था डिमांड वो भी लिख रहे हो तुम, ठीक, टू द स्पेसिफिक लिखो, कितना नंबर दो, गलतियों का नंबर तो कटेगा, 1 नंबर, चलो
अरे समझो देखो ये गलतियाँ, नहीं तो फिर कभी सुधार नहीं पाओगे जीवन में, ये गलतियाँ। चलो ठीक है, पूजा ने भेजा तो पूजा का पहले चेक करते, फिर इस सपना को यहाँ तक हो गया सपना तुम्हारा, फिर 3 पीढ़ियाँ बची है तुम्हारी, ठीक है वो चेक कर लेंगे, पहले इसका चेक कर लेते हैं, पूजा ठीक है पूजा का चेक करते हैं। चलो भारत में जाति आधारित जनगणना के औचित्य का परीक्षण कीजिए। जाति आधारित जनगणना के औचित्य मतलब सीधी बात है, जाति आधारित जनगणना के क्या फायदा है, नुकसान है, क्या है वो बता रहा है, एग्जामिन करना है। मतलब एग्जामिन करना सीधे से मतलब है कि जाति आधारित जो जनगणना हो रही है क्या सही है क्या गलत है, मतलब समीक्षा परीक्षण कीजिए, एग्जामिन करना। हाँ वही मान लो समीक्षा करना, वही एक सिमिलर वर्ड ही है। किसी राज्य क्षेत्र विशेष में रहने वाले जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक शैक्षिक स्थिति का विवरण प्राप्त करना जाति जनगणना कहलाता है। ठीक है, जाति जनगणना के लाभ, भारतीय समाज में विभिन्न जातियों के सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से सभी वर्गों की जानकारी प्राप्त करना संभव, विभिन्न जातियों की सही संख्या एवं स्थिति का आकलन करके उसके पिछड़े वर्ग का समुचित विकास संभव। बहुत बढ़िया, थोड़ा ना कभी ना एग्जाम्पल यूज करना सीखो, उससे ना मतलब क्लियरिटी आती है आंसर में, ऐसी चीजें सीखो। सर समीक्षा में किए इसमें ना मतलब कुछ टाइम मतलब पिछले वीक का है, तो उस वजह से उतना नहीं हो पा रहा था उस टाइम। देखो सुनो अब पूजा, तुम्हारी गलतियाँ ना तुम्हारी मात्रात्मक गलतियाँ बहुत ज़्यादा है, मैं सही बताऊँ पूजा, यू हैव टू राइट। अभी सपना देखो तुम लोग सबकी कुछ ना कुछ गलतियाँ है, अब देखो तुम्हारी गलती ये है, अब देखो ये गरीबी ऐसे लिखते हैं, मतलब समझो ये सुधारो गलती है तुम्हारी, मैं पहले दिन से नोटिस कर रहा हूँ, रात तक नहीं सुधरी है, तो मतलब समझो ये कंसर्न का मुद्दा होना चाहिए ना। सर अब मतलब अब थोड़ी बहुत देखते हैं मेरे में हो जाती है, बट अब दोबारा पढ़ते हैं तो दिख जाता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे पास भेजने से पहले आप लोग सब लोग कोई भी मेरे पास आंसर भेजा करो ना, उससे पहले पढ़ा करो अपने आप, सर दिख जाती है गलतियाँ, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है तो ये चीज याद रखना, सब लोग अपना आंसर पढ़ा करो मेरे पास भेजने से पहले, मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब ये खुद सोचो, मतलब आपके घर मोदी आया मिलने आपसे, ऐसे मुंह उठाए ऐसे चले जाओगे उसके पास, अरे भाई कैसे नहा लो मुंह धो के, मतलब अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे ना। अब जब तुम लोग मेरे सामने ऐसी गलतियाँ लाते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है क्या कर रहे हो तुम लोग, अभी सोचो तुम यू टू ग्रेजुएशन मतलब पास आउट करके आ चुके हो, ग्रेजुएट होके आए हो, मतलब समझो ये अच्छा नहीं लगता को पहली क्लास, मतलब मुझे याद है सुनो मैं कौन सी क्लास में पढ़ता था, तीसरी क्लास में, हाँ दूसरी तीसरी क्लास में, तो हमारा एक टीचर था, तो वो हमसे ऐसे क्या करता था, एक पैराग्राफ लिखवाता था, बोल बोल के वो लिखवाता था, फिर वो ना एक एक गलती के लिए भाई मारता था मात्रा के लिए। और मैं मानता हूँ कुछ कुछ गलतियाँ जो मेरे मतलब मैं ठीक ठाक सीख पाया, जैसे पूजा की गलती आज भी नहीं सुधरी, इसे मतलब इसको अच्छा टीचर नहीं मिला ऐसा जो डंड है, मतलब समझो ये पूजा की गलती है, ये चीज़ समझो सुधार करो इसे। सर मैंने ना बचपन से ज़्यादातर खुद से ही पढ़ी हूँ, तो उतना ऐसे हाँ। टीचर सबसे नहीं पढ़ पाई, उस वजह से मेरी प्रॉब्लम है, तो हाँ। तो कोई नहीं, आपको सुधारना पड़ेगा ना बात का, आप एक डीएम। हाँ सर जैसे कि सर बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो ये सब पे फोकस रहती है, फिर मेरी मैथ ये सब मतलब साइंस इधर का सब्जेक्ट ठीक है, लेकिन ये आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हम देखते हैं, तो सर एक बार में नहीं लाएगी, धीरे धीरे आएगी। ठीक है मतलब सुधार करो जरूरी है। ठीक है अब आगे देखो, गरीबी गलत है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनसंख्या की मात्रा एवं प्रकृति की पहचान कर करके पहचान कर मतलब यहाँ लिखो ना उनके उनके लिखो उनके समुचित कार्यक्रमों को उनके लिए उनके लिए उनके लिए मतलब समझो ये लिख ली मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन सही करना चाहिए, उनके समुचित कार्यों का निर्माण करना संभव, सामाजिक न्याय से युक्त विकसित भारत का निर्माण करना संभव। ठीक है, जाति आधारित जनगणना की हानि सही है, इससे सामाजिक विदेश की भावना का विकास होगा, मतलब एग्जाम्पल लिखो कैसे जैसे मतलब समझ रहे हो ना, मैं बता रहा था देखो जैसे मैं जब मैं आंसर पढ़ रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें और मिल जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा, जैसे मान लो कि आप रोटी सब्जी खा रहे हो मतलब दही और मिल जाए तो वही मतलब एक अलग मज़ा आ जाएगा ना, मतलब समझो वैसे ही है आंसर में, जब एग्जाम्पल आप डालोगे ना तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, मतलब फिर आपको ना भाई सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा, मतलब समझो ये चीज़, पिछड़ा वर्ग का फायदा उठाने के लिए जाति बदलकर दर्ज करवाने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, जाति आधारित राजनीति को बढ़ाओ लोकतंत्र को खतरा कैसे, यहाँ पे एग्जांपल लिखो, जाति आधारित जनगणना से आरक्षण की मुद्दे पर के मुद्दे पर विभिन्न जातियों के बीच संघर्ष एवं तनाव में वृद्धि की संभावना, उदाहरण स्वरूप ठीक है यहाँ एग्जाम्पल लिखा, बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर उठे कानूनी विवाद में केंद्र सरकार के दखल से नए मॉडल नहीं, ये मत लिखो
ये बात लिखा करो, ये करोगे आप, अभी बिहार में जाते जनगणना चल रही है, अन्य राज्यों में मांग चल रही है, तो इस पे संविधान में मांग, समझो मतलब थोड़ा यू बी मैच्योर सर। तो यहाँ पे मतलब इस सेंटेंस को, जैसे बिहार जनगणना, तो इसको हम किस तरह से आपसे थिंक करें, देखो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था, आपको इतना लिखो कि वर्तमान समय में जाति आधारित जनगणना आवश्यक हो गई है, इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने एवं अन्य राज्य सरकारों ने भी जाति आधारित जनगणना को बढ़ावा दे रही है, बस खत्म, बात समझ में आया ना। अरे पर यार सकारात्मक पक्ष को देखते हो ना कि नकारात्मक पक्ष को देखते हो, उन्होंने ऐसा प्रयास किया, ठीक है। आगे देखो, अब आप देखते हैं कंक्लूजन आपकी कितना मेजोरिटी है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में जाति आधारित जनगणना कुछ हद तक हानि है, परंतु जाति आधारित जनगणना करवाना आवश्यक है, क्योंकि इससे न केवल विकास कार्यक्रमों को बल मिलेगी, बल्कि ये बल्कि ऐसे नहीं लिखा जाता, इससे आरक्षण देने में भी मदद मिलेगी। आरक्षण देने में नहीं, अरे नो सुनो, मतलब देखो मैं तुम्हें है ना लोगों को थोड़ा मैच्योर, सुनो ध्यान से, मतलब समझो, देखो गलत है ना, मैं वो जाति, सुनो मतलब आपको लिखना चाहिए था, देखो जैसे मान लो आपने लिखा, निष्कर्ष तो हम कह सकते हैं कि भारत में जाति आधारित जनगणना के कुछ नकारात्मक तत्व देखने को है और वो संभावित हो सकते हैं, परंतु इसके सकारात्मक पक्षों को आगे लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पिछड़े जो समुदाय है उसको लक्षित कार्यक्रमों के द्वारा जब वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, भाई ये पिछड़े हुए हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके एक उनको सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक कल्याण किया जा सकता है, उससे देश में गरीबी, ठीक है, असमानता, ये सारी चीज़ें खत्म होगी, और इससे हमारे जो लोकतांत्रिक लक्ष्य है, हमारे प्रेमबल का जो मुख्य उद्देश्य है वो लक्षित होगा और उससे देश में कल्याण होगा, मतलब समझो, ये मतलब थिंक मेजोरिटी, ये मेच्योरिटी आनी चाहिए, मतलब कैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन को टारगेट करना है, यहाँ पे ना हम ये दे देते हैं कि पिछड़े जाति का भी, ये मेरा एग्जांपल सही हो जाता है, हां मतलब आरक्षण गलत हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित आरक्षण के तार्किकरण कहाँ तक संभव हो सकते हैं। हाँ ठीक है, समझ गया, उपयुक्त तर्क के साथ उत्तर दीजिए। अब देखो तर्क आपको लॉजिक देना पड़ेगा, ठीक है, डाटा बताने पड़ेंगे कुछ, मतलब समझो ये क्वेश्चन है ना, ये ऐसे वर्ड आते आंसर चेंज हो जाता है, समझा करो ये चीज़, ठीक है, देखते हैं। मतलब देखो पहली बात क्वेश्चन समझे कि जाति आधारित जनगणना, चलो ठीक है भाई हो रही है, तो क्या इससे जाति आधारित जो आरक्षण जो दिया गया है, क्या इसमें कुछ बदलाव होगा, मतलब इसमें कुछ पॉजिटिव बदलाव होगा, तो ये क्यों नहीं होगा, होगा भाई, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे एसटी में मान लो, एसटी मान लो, ठीक है, अब एसटी मान लो मीणा लोग हैं जो भाई, उनका अच्छा खासा डेवलपमेंट हो चुका है, तो सब ऐसी बात है कि और जो एसटी लोग हैं, अब उनका नहीं हुआ तो उनको आगे लाने के लिए, अब इनको लिए भाई क्रिमिलियर सिस्टम ला दो, मतलब समझ रहे हो ना, तो ये अच्छी बात है ना, होना चाहिए। अब देखते हैं आगे आपने, ये आंसर तो मेरा गलत हो जाएगा सर, इतना नहीं सोचे थे, सोचना चाहिए ना, जाति आधारित आरक्षण से तात्पर्य है कि भारतीय समाज, इतना दिमाग एक बार भी नहीं आएगा। अरे ठीक है कोई नहीं, उस दिन मैंने बताया तो था तुम लोग, जब मैं ये टॉपिक पढ़ाया था तब, भारतीय समाज में व्यक्ति जाति सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जो विशेष प्रकार की छूट प्रदान करती है, उनके विकास के लिए उस जाति आधारित आरक्षण प्रदान करती है। अरे तुम गड़बड़ा गई, किसका हो रहा है, ठीक है सुनो, इधर कोई सो रहा है क्या, सोने चलो ठीक है सुनो, इधर जाति आधारित आरक्षण से तात्पर्य है कि पहले जाति आधारित जनगणना ही बतानी चाहिए थी तुमने, ठीक है, भारतीय समाज में जो व्यक्ति जाति सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जो विशेष प्रकार की छूट प्रदान करती है, उनके विकास के लिए उस जाति का आधारित आरक्षण, मतलब ठीक है थोड़ा उदाहरण स्वरूप भारतीय संविधान में अनुच्छेद, जैसे कि जाति आधारित आरक्षण और जनगणना है ना, तो दोनों में से किसी एक को डिफाइन कर सकते हैं। उसको लिख देना चाहिए, चलो तो जनगणना कोई ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है तरीका, अरे सुनो एक ही तरीका नहीं होता है इंट्रोडक्शन पार्ट लिखने का, आप चाहते हैं ना तो इसमें दूसरा वाला भी कर सकते थे, मतलब ऐसा कोई नहीं, अभी आप लिखते कि वर्तमान काल में जाति आधारित जनगणना की मांग को देखते हुए, जैसे बिहार सरकार उसने प्रारंभ किए, इसी को देखते हुए ये मुद्दा वापस से उठ रहा है, क्या जाति आधारित जो जनगणना है वो जाति आधारित आरक्षण के तारीखीकरण तक को कहाँ तक संभव बना पाएगी, बस खत्म, ये इंट्रोडक्शन हो गया, फिर लिखो आगे, वो जरूरी, इसलिए एक ही तरीका इसलिए होता है।
उदाहरण स्वरूप भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14, 15, 16 में सभी व्यक्तियों के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समानता का छूट साथ ही अनुच्छेद 17 में स्पष्टता को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। इससे क्या मतलब है? आरण क्षण जाति आधार जनगणना की हानि, पिछड़ेपन की पता लगाना केवल जाति आधार पर आरक्षण देने विरोध उत्पन्न कर सकता है जिनसे आरक्षण, ये देखो आरक्षण गलत लिखा यहाँ पे, धर्म आय व्यवसाय मोहल्ले में मकान होने पर आरक्षण की महत्व कम करता है। जाति की कोई परिभाषा नहीं है और समाज शास्त्रीय दृष्टि से जाति के वर्ग दो पृथक श्रेणियां हैं, इसलिए मंडल आयोग ने अधिक से अधिक अन्य पिछड़ी जातियों को और नए ही अन्य पिछड़े वर्गों को पता लगाया जिसकी आवश्यकता थी। अब तुम्हारा ये आंसर पता नहीं कौन सी दुनिया में जा रहा है, मतलब क्वेश्चन के टू द पॉइंट लिखना चाहिए था। आरक्षण जाति आधार जनगणना का अभाव, इस जनगणना से कई नकारात्मक परिणाम भी उत्पन्न हो सकते हैं, इससे सामाजिक विदेश की भावना विकास होगा, पिछड़े वर्ग का फायदा उठाने के लिए जाति पत्र दर्ज कराने की संभावना बढ़ जाएगी, बल मिलेगा, आईटी विभाग करो मारो कति प्रति प्रणाम प्रतिवादी जा रहे होंगे, इस तैयारी के निमाम में सामना आया, अलीगढ़ जाति बलों को प्लेस की नौकरी प्राप्त करने मामले में सामना आया, मतलब से हम कह सकते हैं कि जाति आधारित आरक्षण कुछ नकारात्मक परिणाम देखने मिलेगा, परंतु जाति आधारित आरक्षण जनगणना आवश्यक हो सकता है, नहीं तो समझ में जाति पिछड़े होते चले जाएंगे। पूछा देखो समझो क्या गलती है इसमें तुम्हारा, मतलब आंसर तुम्हारा अलग ही, यह लोग से क्वेश्चन समझ नहीं पाए, हाँ ये लोग से वो लोग में चला गया तुम्हारा आंसर। सुनो मतलब समझो कि इसे क्वेश्चन सीधा से ये है, जैसे मान लो कि मतलब ध्यान से समझना, जाति आधारित जनगणना अपने करवा दी, ध्यान से समझना, मैं एक मतलब ध्यान से समझना, जिसमें जैसे मान लो ओबीसी है, एससी है, एसटी है और जनरल है, ठीक, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन, अभी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। अब जैसे जनरल का जब करवाए तो पता लगा कि भाई इनके पास देश की संपत्ति का लगभग इतना हिस्सा है और इसमें कुछ लोग ये हैं जो गरीब है, ठीक है, और मोस्टली 90% लोग इनके अच्छे सक्षम रूप से हैं। ओबीसी में ऐसा कि 50% लोग गरीब हैं, 50% लोग अच्छे खासे हैं। एससी में पता लगा कि यहाँ पे 70% गरीब है, 30% अच्छे खासे में। एसटी में ऐसा लगा कि 10% 20% ठीक थे, 80% ये थे। समझना ध्यान से, अब स्वाभाविक सी बात है, ये जाते आते जनगणना से अपने को डाटा मिल जाएगा कौन कितना गरीब है, कितना अमीर है, क्या है, सारी चीज़ें, ठीक। अब जो आरक्षण मिल रहा है, जैसे एसटी को अभी आरक्षण मिल रहा है, पता लगा कि 20% तो करोड़पति है, मतलब अच्छी खासी स्थिति है, आईएएस अधिकारी बन गए, तो भाई इनका आरक्षण खत्म करो, तो ये तार्किकरण संभव हो पाएगा ना इससे? एससी में भी भाई 30% लोग हैं जो अच्छी खासी स्थिति में, उनको ख़त्म करो, ओबीसी में भी है, जनरल में भी है, उनको ख़त्म करो, तो सब ऐसी बात है, इसे तो आरक्षण का तार्किकरण तो होगा ना, पर फिर आप मतलब क्या 3-4 पॉजिटिव पॉइंट लिख दो इसे ये होगा, ठीक है, पर नेगेटिव पॉइंट लिखो फिर आप। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि जाति आधार जनगणना से विदेश होगा, ये सारी होगा, पर साथ में क्या सही डाटा आएगा? मैं बता रहा हूँ ना, बहुत लोग फर्जी अपनी गलत जानकारियाँ देते हैं, ये चीज़ याद रखना, बहुत लोग अपनी ज़मीन नहीं बताते, असली बहुत सारे लोग, तो वो सारी चीज़ें संभावनाएं भी हैं, तो वो फिर लिखना चाहिए था, फिर आखिर में लिखना चाहिए था आपको कंक्लूजन कि जाति आधारित जनगणना को अगर सकारात्मक तरीके से किया गया और इसको प्रयासों को अचीव किया गया तो एक बहुत बेहतर रिजल्ट लाएगा और आरक्षण का तार्किकरण संभव होगा और उससे जो आरक्षण का जो सही जो मकसद तय किया गया था उसको हम लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे और उसको मतलब बहुत कम समय में प्राप्त कर पाएंगे, तो बहुत टाइम लगेगा। आज क्या हो रहा है, जिसके पास जैसे मान लो कि आरक्षण है, जैसे मान लो कि एसटी में मान लो जिनका फादर आरक्षण का फायदा उठा के आईएएस बन गया, उसी के बेटे आईएएस बन रहे हैं, ये हकीकत है, और जो बेचारे गरीब थे, चाहे एसटी के हो, गरीब है बेचारे, गरीब ही हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें बदली है, परंतु मोस्ट मेजोरिटी फ़ायदा कौन उठा रहे हैं, ये लोग ही उठा रहे हैं ना, तो भाई समझ बता, इसको फ़ायदा मिले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको आरक्षण ख़त्म करो, अब इनको दो ताकि ये आगे बढ़े, नहीं तो कभी आरक्षण ख़त्म ही नहीं होगा, सोचो ख़त्म करना। हाँ सर, ये तो व्यवस्था की हुई है, क्रिमिलियर नहीं है ना, देखो क्रिमिलियर, मैं सुनो, मैं बता रहा हूँ तुम लोग, मैं बता रहा हूँ क्रिमिलियर क्या होता है, सर्टिफिकेट बनाना होता है ना, हकीकत में बता रहा हूँ ना, मैंने खुद इतने लोगों को देखा है जो खूब करोड़पति है, उनका ये बना हुआ है, ओबीसी सर्टिफिकेट बना, एससी एसटी है, सब बना, एससी एसटी पे मेरा लागू नहीं किया, पर ओबीसी की मैं बात बता रहा हूँ, ओबीसी वो लोग जैसे 8 लाख सीमा ना, और उनके पास सोचो 8 करोड़ की संपत्ति है, 8 करोड़ की, अब बोलो तुम, फिर भी उनका ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ, अब बोलो तुम, बात है ना कि ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन में, ये तो गरीबी रेखा का भी बना हुआ है, जो यहाँ पे बहुत पैसे वाले हैं, तो उनका भी गरीबी रेखा बना हुआ, तो मतलब ये चीज समझो ना, जब तक रियल ग्राउंड पे चीजें अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो कैसे होगा, ठीक है। आगे देखो, भारतीय समाज में जाति राजनीति संबंधों के परिणामों का परीक्षण कीजिए। अब देखो ध्यान से समझना,
जाति राजनीति संबंध, मतलब जाति का राजनीति, जाति का राजनीतिकरण और राजनीति का जातिकरण, ये याद रखो, अपने दोनों टॉपिक पढ़ा था, तो इसके परिणामों को बताना। परिणाम आंसर लिखने में ना मेरी दिमाग खराब हो गई, इधर लिखते थे उधर भूल जाते। देखो परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होंगे, ठीक है। अब आपको एग्जामिन करना है, ठीक है। अब देखते हैं पूजा ने कैसे एग्जामिन किया है। बातें समाज जाति राजनीति सामाजिक आर्थिक हितों की पूर्ति, देखो हितों की पूर्ति, पूर्ति करने के लिए जाति में राजनीति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण स्वरूप आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने हेतु दबाव समूह के रूप में जातीय संगठनों का निर्माण करते हैं, तो जाति महासभा महापंचायत आदि। नकारात्मक परिणाम, अब देखो सकारात्मक परिणाम तो कहीं लिखा ही नहीं, डायरेक्ट नकारात्मक परिणाम पे आ गए। अच्छा आगे लिखा है क्या? हाँ, पर कभी है ना ट्राई करो कि पॉजिटिव पॉइंट पहले लिखा करो। राजनीति में तथा समाज में जाति निष्ठा को विकसित जातिवाद को बढ़ावा और आधुनिक समाज को विकसित होने से बाधित करना, जैसे वर्तमान समाज में विकसित करने के बजाय सनातन धर्म को लेकर विवाद। ये धर्म का मुद्दा हो गया ना, जाति का मुद्दा तो नहीं हुआ ना, समझो ये चीज थोड़ा। अरे ये गलती, मतलब समझो कॉन्टेक्स्ट अभी कास्ट को, इसमें चाहते तो आप एग्जांपल ये लिख देते ना कि देखो एमपी में सोचो दलितों के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, पर सोचो आज भी दलितों की स्थिति क्या है, सोचो उसके उसके ऊपर मतलब पेशाब किया गया, मतलब समझो उसके आधार पर वोट मांग के लोग नेता बन गए सब कुछ, पर उसका तो आज भी कोई सशक्तिकरण नहीं हुआ ना। आज भी देखो सोचो उनको तुच्छ की तरफ, मतलब जो होता है ना, मतलब अनटचेबल की तरह देखा जाता है, सोचो उसके ऊपर टॉयलेट कर दिया, मतलब समझ रहे हो ये चीज़ें, मतलब वो चीज़ें एग्जाम्पल लेकर ज़्यादा अच्छा होगा। विभिन्न जातियों के मध्य नकारात्मक प्रतिशत, जाति संघर्ष को उनके मध्य तनाव बढ़ा, जैसे हाल ही में मणिपुर में ये अलग मुद्दा है, ये अलग अरे बहुत सारे मुद्दे मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत संख्या एवं प्रमुख जाति द्वारा अल्पसंख्यक जाति समाज में सत्ता मूल, अरे ये डायरेक्ट सीधा लिखो ना कि आज भी देखो, मतलब तुम लोग समझ नहीं रहे, जाति में राजनीति और राजनीति में जाति, ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पक्ष दिखने चाहिए, तो आपके आंसर में दिखे नहीं, पहले तो स्टार्टिंग आपको ये बताना चाहिए था, इंट्रोडक्शन में दिखना चाहिए। सकारात्मक परिणाम जाति आधार पर, देखो पहले ये समझो क्वेश्चन क्या था, भारत में जाति राजनीति संबंधों के परिणामों को परीक्षण कीजिए, मतलब समझ तुम समझे नहीं क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि जब से जाति का यूज कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, अगर जाति में पॉलिटिक्स हो रहा है जब से, तो इसका क्या परिणाम निकल के आ रहा है, समझ में आया, ये पूछ रहा है तुमसे, समझा करो क्वेश्चन क्या है, पहले बहुत जरूरी है। देखो आधार अभी गलत लिखे, आधार पर राजनीतिक दलों के निर्माण द्वारा शक्ति संतुलन स्थापित करके लोकतंत्र विकास संभव, जैसे हाल ही में राजस्थान सरकार ने पिछड़े जाति के लिए 78% आरक्षण की मांग कर रही है उनके विकास के लिए। ए ऐसा एग्जाम्पल मत लिखो, उनका मतलब ये सोचो कि जैसे जाति को आधार बना के जो पिछड़े हुए वर्ग थे उनका विकास किया गया, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, उनको आरक्षण दिया गया, ठीक है, तो ये सकारात्मक प्रयास है। और उन विशेष वर्गों की मांग पे मान लो कि जैसे मान लो कि राजनीति में आरक्षण दिया, मान लो कि कुछ सीटें उनके लिए आरक्षित करी, तो वहाँ पर जाके उनके लिए मांग करते हैं, मतलब ये लिखो। निरक्षर जातियों की राजनीतिक जागरूकता एवं राजनीतिक समाजीकरण द्वारा इनके राजनीतिक सहभागिता मतदान व्यवहार को बढ़ाकर लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है, ये बात सही है। भारतीय समाज में निम्न में कमजोर वर्ग के जाति संगठनों के माध्यम से अपने हितों की पूर्ति और सामाजिक न्याय युक्त होकर समाज के सभी वर्गों के लिए विकास का कार्यक्रम का निर्माण करना, उदाहरण पेंशन योजना। अरे नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक जाति के आधार जो योजना उसका नाम लिखो, उपयुक्त, अरे उपयुक्त सर वो योजना जो एक दो वो बता दीजिए। अरे बहुत सारी है, जैसे मान लो कि ट्राइफेड जो स्कीम चलाते हैं उनके जो जातियों के लिए खरीदता है, एक सामाजिक सशक्तिकरण योजना होती है, ये क्या है, ये सब योजना वही तो है, ठीक है। उपित बातों से हम कह सकते हैं कि जाति राजनीति को खत्म करना तर्कसंगत तो नहीं होगा, परंतु जाति राजनीति का प्रयोग स्वस्थ विकसित लोकतंत्र के लिए किया जाए तो अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। कितने नंबर दो, मतलब ठीक हो, गलतियाँ बहुत कर रही हो तुम लोग, समझ नहीं रहे हो क्वेश्चन, नहीं समझ रही हो तुम लोग,
तुम्हारी पूजा मतलब क्वेश्चन को समझा करो। चलो सपना के पढ़ते हैं अब, ये तीन पीढ़ी बची है ना। ठीक है, ये क्या हो गया? अरे वो क्वेश्चन था ऊपर। ये क्या है? अरे इसको ज़ूम तो करो, ये तो ऊपर का था, वो तो मैंने चेक करा दिया। अच्छा चेक करवा दिया था, ठीक है चलो। फिर इतना खाली स्पेस काहे छोड़ा, घर वालों को पैसे खराब करिए। पापा से कंप्लेंट करनी पड़ेगी भाई। और तुम वो एनसीईआरटी का क्या बोल रहे थे उस दिन? वो भी भाई 14-15 दिन में सारी एनसीईआरटी आ जाती तुम लोग। अब मैं क्या करूं, मैंने भैया भेजा था, वो चिल्ला रहा था क्योंकि मुझे को परेशान करती रहती है, ये वो है। उनकी तो लिया आ जाए। चलिए कि तुम 1000 रुपए चीज मुझे 1500 रुपए में भेज दोगे। अब मैं क्या करती? क्या करती, तुम्हारे पास धोखाधड़ी हुआ है तुम ऐसे तो बोलते, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। लो उसके क्लास अच्छे से उसको बताओ कितने रुपए की दी हो तुम, ऐसे सिली होता है यार तुम। आज ये सुनो मेरे को लिख के तुम भेजो टोटल उसकी प्राइस। एनसीईआरटी जस्ट पहला पेज खोलोगे, अरे सेकंड हैंड थी ना ये, नहीं थी, सेकंड हैंड है, न्यू है। ठीक है सुनो, हाँ तो न्यू का मुझे सारा रेट जो तुमने ली है उसे रेट लिखा है सारा, एक एक का रेट लिख के जोड़ के मुझे भेज देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा? करो तो सीधी तुम। ठीक है, वो लिख के जितने भी तुमने एनसीईआरटी लिया है ना उसे जस्ट पीछे लिखा रहता है एनसीईआरटी। ठीक है, कल भेज दूंगी सारी। ठीक, वैश्वीकरण ने जहाँ संश्लेषित वैश्विक संस्कृति के निर्माण को संपोषित किया, वहीं लोगों में प्रतिक्रियात्मक चेतना को उत्पन्न करके परंपराकरण को भी बढ़ाया, चर्चा कीजिए। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझ लेना। देखो वैश्वीकरण ने जहाँ संश्लेषित वैश्विक संस्कृति, पहले ये इस वर्ड को समझो, संश्लेषित वैश्विक संस्कृति मतलब ये होता है कि जहाँ पे अपन पश्चिमी भी अपना चुके हैं भारतीय संस्कृति में, दोनों मिक्सअप कर गए। जैसे मैंने वो एग्जांपल देते नवरात्रों में, देखो पिज्जा खा रहे हो परंतु नवरात्रा वाला होता हो पिज्जा, उसमें लहसुन प्याज नहीं होता उस तरीके से, ये क्या एक संश्लेषित वैश्विक संस्कृति हो गई। आज अपन एक जैसे दीपावली में मान लो कि अपन अपनी परंपरा भी चल रहा है तो साथ में पटाखे भी छोड़ रहे हैं, और पटाखे भी मतलब अलग अलग तरीके के, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब उस तरीके से तो ये है। इसी तो नहीं कहा था ये, तो मैंने ये क्वेश्चन पक्का इसी ने लिखा। हाँ इसीलिए लिखा क्योंकि मेरे को संश्लेषित का मतलब नहीं पता चल रहा था ना, इसीलिए संपोषित किया है, वहीं लोगों प्रतिक्रियात्मक चेतना उत्पन्न करके परंपराकरण को भी बढ़ावा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं आपने क्या लिखा है, चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए। वैश्वीकरण मुख्य रूप से एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तथा तकनीकी ताकतों का समायोजन होता है। इसका आशय व्यापार, पूंजी प्रवाह, प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में होता है। और मैं कितनी बार बतलाऊँ कि जब डेफिनेशन चलो ठीक है जो भी है, पर याद करो उसे कॉन्टेक्स्ट में यूज किया करो। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट होता है सामाजिक कॉन्टेक्स्ट, और वैश्वीकरण को उस कॉन्टेक्स्ट में समझाओ आप, ऐसे मत। अच्छा इधर से ही। हाँ इसे याद रखो। ठीक है, वैश्विक संस्कृति का निर्माण आधुनिकता के मूल्य तथा तार्किक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रसार से संस्कृति का तार्किकरण, अलग अलग देशों में प्रयास से एक नवीन संश्लेषित वैश्विक संस्कृति का निर्माण, संचार क्रांति के बाद से साधनों का विकास में स्थानीय संस्कृति और लोक परंपराओं का सार्वभौमिकरण तथा इन्हें नवीन पहचान प्राप्त, जिससे सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण। देख कॉन्टेक्स्ट क्या है वो समझो तुम, अब तुमने ये समझा ही नहीं तो मतलब नहीं, इसीलिए तो मैंने बोला तो था मेरे को समझ ही नहीं आया तो मैंने इसलिए लिखा ही नहीं होगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यूपीएससी में यही होता है भाई, क्वेश्चन समझो सबसे पहले, नहीं तो लोग पता नहीं क्या क्या। इसको मैं दोबारा लिखूंगी। ठीक है आगे देखो, प्रतिक्रियात्मक चेतना से परंपरा को बढ़ावा, परंपरागत देखो इसका मतलब समझो, प्रतिक्रियात्मक क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि वैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो मान लो कि लोग अपनी संस्कृति को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं जो भी है, तो फिर लोग क्या इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो फिर उससे क्या हो रहा है, सारी चीज़ रख रहे हैं, कैंसर भी है मतलब सही बता रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि फिर अपने जो मान लो जो पहले चीज़ें भूल गए थे वो वापस से हो रही है, तो परंपरा को बढ़ावा मिल रहा है, समझ में है। अब देखिए आपने उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा नहीं लिखा, अरे इतना अच्छे से समझाया तुम लोग, परंपरागत सांस्कृतिक तत्व ऐसे ऐसे लिखा जाता है, तत्व के महत्व में प्रचलन वृद्धि तथा इसका संरक्षण, अतः लोक क्षेत्रीय संस्कृति के संरक्षण तथा विविधता संरक्षण।
पश्चिमी जीवन शैली, पश्चिमी परिधान, लिविंग रिलेटेड आदि के प्रसार से संस्कृति संकट में फलता पहचान संकट से अपनी परंपरा का संगीत परिधान को बढ़ावा देना, ठीक है। सांस्कृतिक समृद्धता में वृद्धि अर्थात सांस्कृतिक विविधता को खतरे से बचाने के लिए विविधता में एकता को स्वीकार्यता, बाजार अर्थव्यवस्था के प्रभाव में वृद्धि से संस्कृति या बाजारीकरण संस्कृति मूल स्वरूप नष्ट जिससे संस्कृति संरक्षण हो सके, बाधा तो उपभोक्तावादी संस्कृति प्रसार से संस्कृति विकास हो परंतु अंधानुकरण भी हो रहा है जिसके लिए प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई अंधानुकरण को लगाया जा रहा है। कंक्लूजन कौन लिखेगा? मतलब दस नॉट मैच्योर आंसर आपकी तरफ से, मैच्योर आंसर नहीं है। अगला, सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या है? ठीक है, अभी क्वेश्चन की डिमांड ये है सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या है। देखो ध्यान से समझो, सोशल मतलब समाज जोड़, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, नहीं फेसबुक व्हाट्सएप नहीं आया, व्हाट्सएप पर्सनल आ जाता है, मतलब आजकल तो हाँ व्हाट्सएप भी आ जाएगा क्योंकि आजकल वो व्हाट्सएप में फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब चीज़ें आ गई, ठीक है, इसमें सब वो आएगा। इसका भारतीय जनमानस में पड़ने वाले प्रभाव को चर्चा कीजिए, प्रभाव सभी बात है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, ये चीज़ समझो अभी धीरे धीरे चीज़ें पकड़ना सीखो एक ही चीज़, ठीक है। सोशल नेटवर्क साइट इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसी साइट जिनके माध्यम से व्यक्ति द्वारा सामाजिक अंतर्क्रिया की जाती है, सोशल नेटवर्क साइट कहलाते हैं फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि। पहले व्हाट्सएप नहीं आता, अपन व्हाट्सएप अब आएगा, याद रखना व्हाट्सएप पहले व्हाट्सएप इंडिविजुअल था ना, ये चीज़ समझो, व्हाट्सएप पहले इंडिविजुअल, अब मतलब पहले नहीं व्हाट्सएप पहले तो इंडिविजुअल था, ठीक है मानती हूँ, बट जब हम सोशल मीडिया पर किसी के देख से मैं आप देखती थी, पर फिर मैंने आप मर दिया तो इस तरह से तो हो सकता है ना। अरे तो सोशल नेटवर्क साइट का मतलब होता कोई भी जाके वहाँ पे एक्सेस कर सके और कोई भी इंटरेक्ट कर सके, समझे? अच्छा वो बताना है, ठीक है ठीक है, उसका मतलब होता सोशल नेटवर्क साइट, ठीक ठीक। अब आगे देखो, ए इतना शॉर्ट मत लिखा करो, क्या है सोशल नेटवर्क साइट, एक ही डायरेक्ट परवाह नहीं, अभी के लिए लिख दिया था, वैसे तो मैं पूरा लिखूंगी। चलो सकारात्मक, इससे इनसे जो मानव सामूहिक अलगाव में है व्यक्तिवादिता में ह्रास होता है, तो मैंने माध्यम से पुनः सामाजिक जुड़ाव वृद्धि हो रही है, किसी साइड से जानकारी लेना है अपनी राय देना। अरे जब तुम दोस्तों नेगेटिव बता रहे हो, पॉजिटिव थोड़ा अलग तरीके से बताओ ना, तुम तो स्टार्टिंग में नेगेटिव से शुरू कर रहे हो। अरे मैंने बताया ना दूसरी पैरा में देखो, बात ये नहीं, बात है पॉजिटिव पॉइंट बता दो, पॉजिटिव बताओ ना डायरेक्ट, जिससे विभिन्न डायरेक्ट, अब देखो मैं जैसे एक सीधा से अरे सिंपल से मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैं खुद हूँ ना, जैसे अभी मान लो कि अभी मेरा ना जैसे कॉलेज के फ्रेंड सब है, अभी मैं सबसे दूर हो गया क्योंकि ना मैं अभी फेसबुक चलाता हूँ ना कुछ चलाता हूँ ना ट्विटर व्यूटर कुछ भी नहीं चला रहा हूँ। आप सोचो जैसे मान लो कि मैं मुझे अपने फ्रेंड लोगों से वापस से जुड़ना है कि वो लोग कहाँ पे है क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपना फेसबुक अकाउंट बनाऊँ, उनको रिक्वेस्ट भेजूँगा, तो आराम से मेरा इंटरेक्शन होगा। तो मतलब जो अपने जो बहुत सारे लोग जो पिछड़ गए थे अलग हो गए थे, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोग जो मेरे ट्वेल्थ में मेरे साथ पढ़ते थे, अब सोचो ना कोई उनके कोई कॉन्टैक्ट नंबर है कुछ भी नहीं है, परंतु मान लो कि आज मुझे उस व्यक्ति से मिलना है, तो ये सोशल नेटवर्क साइट क्या होती है, वापस से मिलाती है लोगों को, रिश्तों को खोना, तो ये क्या होता है ना, मतलब बहुत अच्छा माध्यम है लोगों से एक दूसरे से जुड़ने का, सिंपल से चीज़ समझा करो, सिंपल एग्जाम्पल लाइफ में सिंपल एग्जाम्पल समझा करो, ठीक है। दबाव समूह के रूप में क्रियाशील, तो जैसे समस्या तथा मुद्दों पर स्वरूप तथा विचार, स्थानीय समस्या का सार्वभौमिकरण, मानव अपने व्यक्ति विचार सूचना ज्ञान का आदान प्रदान करता, ट्विटर से हो रहा था पारिवारिक स्तर चाहे विवाह संबंध, तो मैंने समझ बनाने में चाहिएगा। अरे नहीं बोला, देखो दूसरा, अब देखो एक मैं कितनी बार बोला हूँ, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आया था एटलीस्ट चार, जैसे मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट चार चार पॉइंट लिखा करो, चार पॉजिटिव इनको पॉइंट में लिखो, मैंने तो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा था, चाहो चाहे पैराग्राफ में लिखो या कुछ भी लिखो, पैराग्राफ नहीं चाहो तो इसमें पॉइंट में लिखो, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल आपसे, इसमें इंडिविजुअल आप लिख रहे हो ना, इंडिविजुअल चीज़ें आपसे मांग रहे हैं, ये चीज़ याद रखना, उसमें कोई जरूरत नहीं, आप पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं। नकारात्मक निजता का संकट था, डाटा का चुराया जाना, हैकिंग जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज फोटो आदि का सुरक्षित देना, जैसे मैं फिर बता रहा हूँ, देखो अगर अच्छे नंबर पा रहे हैं इंडियन सोसाइटी में, याद रखो जैसे अभी याद करो साइबर बुलिंग चला था एक बार महिलाओं के फोटो को लेके, हाँ मैंने लिखा था साइबर बुलिंग, उसमें लिखा है सेकंड पार्ट, ऐसे एग्जांपल लिखो, ठीक है, ट्रोलिंग करना, महिलाओं को ट्रोल करना, ये सारी चीज़ जब ऐसे करंट एग्जांपल लिखो तो अच्छे नंबर मिलेंगे। विभिन्न साइबर अपराध, साइबर हैकिंग, साइबर बुलिंग, पोर्नोग्राफी, अतीत के अपराध में सहायक, देश के आंतरिक सुरक्षा के खतरा था, देश की संस्कृति को खतरा, अरे पॉइंट फॉर्मेट लिख रहे हो तो पॉइंट फॉर्मेट इसलिए, समाज विरोधी गतिविधि, क्योंकि ऐसे तुम्हारे पैराग्राफ फॉर्मेट नहीं है, ऐसे समझो ये पॉइंट फॉर्मेट ही है, ऐसे भी झूठ माट का ऐसे इधर उधर लिखने से पैराग्राफ फॉर्मेट नहीं हो जाता,
ठीक है, सामान्य विरोधी कभी गलत न्यूज स्पीच आदि से सामान्य शब्द तो कमजोर करने के साथ असम हिंसा अंत को दिन शायद जैसे ब्रेन वॉश अंत के मिलाना आज ने केवल बात बोल के देश के बेहतर समझने को बना है। अकेलापन अपने से भिन्न आदि से परिणाम जिस कारण लोग नकारात्मक प्रति अपना रहे हैं। अतः स्पष्ट ही सोशल नेटवर्क साइट्स ने जहाँ एक अब देखो आपने क्या किया ना, इसमें ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट लिख दिया, गलत है, कभी बैलेंस रहना चाहिए कि सोशल नेटवर्क साइट अगर इतनी गलत होती ना तो उसको बंद नहीं कर दिया जाता, समझो कुछ चीज़ मतलब कुछ बैलेंस बनना चाहिए। एक विकास प्रक्रिया में गतिशीलता दिए था, शिक्षा आदि में आज सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, वहीं से नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं जिससे लोग हेट स्पीच आत्मघाती गतिविधि में संलग्न हो रहे हैं। इसलिए आज लोगों को साइटों से दूर नहीं रखा जा सकता परंतु इसकी निगरानी तथा इस सुसंगठित योजना द्वारा नकारात्मक प्रतिक्रम में लाया जा सके। ठीक है, कंक्लूजन एटलीस्ट अच्छा लिखा आपने। नंबर दो, नंबर चलो आगे बढ़ो, पांच नंबर काट दिए, पांच नंबर ना काटा भाई, पॉइंट पांच, पॉइंट पांच। हाँ, बातें समाज में राजनीति में जाति की भूमिका का परीक्षण कीजिए, राजनीति में जाति की भूमिका तथा इसकी बढ़ती भूमिका रोकने के उपाय बताइए, जाति व्यवस्था लोकतंत्र में साधु बने बाधक। अब देखो ये तीन डिमांड है इसमें, परंपरागत बातें समाज में विद्यमान श्रम असमानता सोपान आधारित एक व्यवस्था जो पहले श्रम के रूप में थी परंतु बाद में जनजात हो गई जाति कहलाती, ए कहाँ भाग गया इसका आंसर। अरे ये आगे करो, ये जा रहा है ना, ये ब्लैक कहाँ, ये तो अरे नहीं, हाँ यही है वो, उठा के फेंक दूंगा, ये भू स्थानीकरण का क्वेश्चन है। अरे हाँ ये भू स्थानीकरण का, ये कर लो, मैंने ये आगे लिखा था क्योंकि ये हुआ नहीं था मेरे से। अच्छा चलो ठीक है, मैंने आगे लिखा है बट ये अभी भेजा था आज। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया पश्चात यह मान्यता विकसित हुई कि यह प्रक्रिया दुनिया की स्थानीय संसद समाप्त कर देगी। भूस्थानीकरण क्या है, यह बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा अपनाई गई बाजार संबंधी रणनीति अथवा कोई भी सांस्कृतिक संसद प्रक्रिया में चर्चा की, ठीक है, किंतु व्यवहार में कुछ ऐसी प्रक्रिया विकसित हुई जिन्हें इन मान्यताओं को खारिज कर दिया गया, इन्हीं प्रक्रिया भूस्थानीकरण कहा गया। एक डिमांड ये थी, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा अपनाई संसदीय कोई सांस्कृतिक प्रक्रिया चर्चा कीजिए, दो डिमांड है। ठीक है, अब देखो तुमने कैसे किया है इस चीज को, इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी करने में, पता नहीं। भूस्थानीकरण में सांस्कृतिक विश्लेषण प्रक्रिया, इसने स्थानीय संस्कृति संरक्षण देकर नष्ट हो रहे बचाए जैसे संस्कृति अंतर्राष्ट्रीयकरण के विकास में सहायक रहा है। इसने वैश्वीकरण जनित पहचान के संकट समाधान प्रस्तुत किया जिससे जब सांस्कृतिक पहचान संकट में होती तब प्रतिक्रिया वादी से इसके स्वरूप को बचाने में सहायक रहा। ठीक है, इनसे संश्लेषित विशेषण का निर्माण कर रहा है जिससे सभी संस्कृति आपस में मिलकर एक निश्चित संस्कृति प्रभावशील का निर्माण। ये क्या बीच में कहाँ से टपक पड़ा, परंतु इसे स्थानीय संस्कृतियों का अपना मूल स्वरूप होती जा रही है जिसे पश्चिमी परिधान समझने के प्रभाव देखा जा रहा है, उसमें आर्थिक प्रक्रिया तुम कुछ और ही समझ लियो। और भाई क्वेश्चन समझो पहले, वो आपसे पूछ रहा है भारतीय समाज राजनीति जाति की बड़ी नहीं सॉरी भूस्थानीकरण क्या है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा अपनाई गई बाजार संबंधी रणनीति है अथवा कोई सांस्कृतिक संस्कृति प्रक्रिया, मतलब समझो वो आपसे दो चीज़ें पूछ रहा है, क्या जो ये है लोकलाइजेशन की जो प्रक्रिया चल रही है कि ये कंपनियों की तरफ से बढ़ा हुआ है या फिर सांस्कृतिक संश्लेषण की एक प्रक्रिया है, आपको उसके बारे में बताना था, आप पता नहीं कहीं बढ़ गई। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी अलग अलग देशों में अपना निवेश करते अपनी कंपनी स्थापित कर भूस्थानीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसमें नए बाजार के अवसर रोजगार और राष्ट्र विकास में योगदान दे रहे हैं। एक आर्थिक प्रक्रिया भी है क्योंकि इसमें प्रत्येक आवश्यकता तथा उत्पाद बाजार के ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जैसे देश से दूसरे देश जाने रेल पानी जहाज इत्यादि के साथ। अरे नहीं, पिज्जा बर्गर का एग्जाम्पल दो, मोमोज का एग्जाम्पल दो। संचार के क्षेत्र में विकास भी आर्थिक प्रक्रिया कहलाती है जो भू स्थानीकरण में सहायक है जिसे बाजार प्रक्रिया के आधार पर भी बनाया गया था। बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ अनेक कर्मचारी भी अति के साथ अपनी संस्कृति सभ्यता भी जाते हैं विशेष जो अतः कह जा सकते हैं भूस्थानीकरण कोई प्रक्रिया परिणाम नहीं है, इसमें आर्थिक प्रक्रिया साथ सांस्कृतिक प्रक्रिया भी जुड़ा है, इसमें दोनों स्तरों पर संतुलन रखने की बनाने की आवश्यक बना तो भविष्य में भटक गई हो इस क्वेश्चन में। चलो 0.5
ठीक है, अभी दो बची हो। अच्छा इसको बता दो तो क्या क्या करना चाहिए था। अरे भाई सब ऐसी बात, देखो एक पहली चीज़ है कि जो ग्लोबलाइजेशन का जो मांग है वो ही पूछ रहा था क्या कंपनियों के द्वारा बढ़ाया जा रहा है या फिर संस्कृति संश्लेषण की प्रक्रिया का माध्यम है। तो आपको दोनों टाइप में बताना था, फिर आखिर में बताना था कि ये मतलब विशेष तौर से ग्लोबलाइजेशन जो है सांस्कृतिक संश्लेषण की प्रक्रिया तो है ही, साथ में फिर कंपनियों इसको आगे लेके चल रही है, वो कंक्लूजन ये होना चाहिए। जैसे मैं बताया तो था उस दिन की, जैसे चाइना है अब सोचो यहाँ पे दीपावली में जो गणेश चतुर्थी में इनमें सब चीज़ें वो वहाँ पे मार्केट कर रहा है, पर भारत को ऐसे लगता है कि इसी के कारण जो भारत में जैसे मान लो मिट्टी के बर्तन है ये सारी चीज़ें चली तो वो ज़्यादा जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हो गई थी ना, तो ये चीज़ें समझो मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करो। जब क्लास लेता रहता हूँ तो तब तो पता नहीं कहाँ तुम रहते हो लोग। अरे ये वाली मैंने ली नहीं थी ना, ये वाली क्लास फिर मैंने उसमें ली थी, ये यूट्यूब पे ली थी, फिर मैंने तभी लिख पाई थोड़ा बहुत। अरे मैंने भी करवा दिया टॉपिक तो कहाँ भाग रही। हाँ मैंने यूट्यूब पे देखा था ना आपकी क्लास, तो ही कर पाई थी। ठीक है चलो आगे समकालीन भारत जाति व्यवस्था के सौरभ को चर्चा कीजिए। सौरभ देखो पहले क्वेश्चन की डिमांड ये है, ठीक है, तथा जाति व्यवस्था की बातें समाज में प्रभाव की चर्चा कीजिए, प्रभाव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो ये डिमांड है। परंपरागत बातें समाज में विद्वान श्रम विभाजन असमानता सोपान की व्यवस्था जो पहले श्रम पर आधारित थी तो बाद में उसी श्रम के आधार बनाकर जाति व्यवस्था स्वरूप देगी। एग्जाम्पल भी लिखा करो, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ। समकालीन भारत में जाति व्यवस्था स्वरूप यहाँ पर उसे देखने को मिल रहा है। जाति व्यवस्था खंडात्मक विभाजन प्राचीन से वर्तमान तक बना, परंतु वर्तमान में ये व्यवस्था कई रूप में प्रकट हो रही है, जैसे राजनीति, व्यापार, वाणिज्य में, नौकरशाही में, सामाजिक क्रियाकलाप में आदि। जाति व्यवस्था का राजनीतिक स्वरूप सकारात्मक तथा नकारात्मक। अब देखो एक ही पॉइंट लिख के यहाँ पे, अरे ऐसे नहीं होता, स्वरूप बताओ, ये तुम नोट्स नहीं पढ़ रही हो क्या तुम? पढ़िए। एक ही पॉइंट दिया वहाँ पे, ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे ये स्वरूप ही तो लिखे हैं मैंने, आगे देखो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव स्वरूप पर फिर मैंने बता दिए थे। अरे अच्छा जाते वैसे राजनीतिक स्वरूप, अरे बात ये नहीं, बात है क्वेश्चन देता अगला पार्ट है और स्वरूप का अगला यहाँ पार्ट हो रहा है। अच्छा ये होगा पर मैंने लिखा है, ये मेरे को पता है। जिससे राजनीति के जाति स्वरूप के लिए राजनीति प्रेस कर रही है वही कुछ जाते लोक कल्याण के लिए। लालू प्रसाद नाम मत लिखना भाई, उठा के फेंक देगा कोई। ये गलत है ना, मतलब समझो नाम मत लिखो, मतलब पार्टी का नाम लिख दो, वो ज़्यादा पार्टी मतलब जातिगत विशेष आधारित जो पार्टी है। जाति की सकारात्मक रूप से देने के लिए सरकार, कौन आया भाई, कौन आया अभी? नगीना अभी आंसर राइटिंग चल रहा है अभी, तुम चाहो तो। अरे सोई कोई नहीं, मैं कल करवा दूंगा ना, कल से अपन शुरू करेंगे तो मैं उस टाइम करवा दूंगा, आप पढ़ो ठीक है। कर लेना ठीक है, कर लेना। वैसे एक दो क्वेश्चन है, अगर एक दो क्वेश्चन समझ आ गया तो सारे हो जाएंगे। ठीक है ठीक ठीक ठीक, कल कर लेना ये, कल जो भी आज शाम को क्लास करेंगे तब का बता, जो भी है तुम जब तुम्हें लगे ठीक है। ठीक आगे देखो, जाति सकारात्मक देने के लिए सरकार द्वारा आश्रम प्रदान किया जा रहा है जिससे राजनीति वंचित प्रवेश बढ़ सके। अब तुम ये नेगेटिव पॉइंट लिख रही हो पॉजिटिव पॉइंट लिख रही हो? मिक्स लिख रही हूँ, ये तो दोनों। वर्तमान जाति व्यवस्था के सकारात्मक रूप देने के लिए अंतर्विवाह पर जोर दिया जा रहा है जिससे सरकार लोक लालच या स्कीम चलाकर अंतर्विवाह पर जोर दे रही है। तो पॉजिटिव पॉइंट में नेगेटिव लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो तुम? वर्तमान विशेषज्ञता निरोगता पर प्रबल बल दिया जा रहा है जिसमें सभी को समान मानने का बात जा रही है की जा रही है तथा सरकार द्वारा भी जाति व्यवस्था को संकीर्णता के साथ देखने पर दंड देने तथा हमारे संविधान के मौलिक अधिकार किसी को भी जाति के नाम से संकीर्ण मानसिकता से बोले तो गरिमापूर्ण व्यक्ति जीने के अधिकार के मुक्ति। तुम समझ नहीं रही हो, क्वेश्चन को समझो पहले। स्वरूप तुमने नहीं बताया अच्छे से, जाति व्यवस्था की बात समझ। प्रभाव भाई मैंने बताया पहले, स्वरूप बताए तो आपने बोला था कि राजनीति में कैसा स्वरूप है, समाज में कैसा स्वरूप है, ये सब बताई थी। अच्छा तो अच्छा, ये तुमने अलग अलग बताया। नहीं नहीं गलत नहीं बताई, फिर मेरे को ना जैसे समझ में आया था ना वैसे ही लिख दिया। यही तो गलत बात है, पर मैंने ये नहीं देख के नहीं लिखा था।
देख कर लिखो, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, नोट्स रिवाइज होंगे इससे, कितनी बार बोला हूँ। ये मैंने देखा था कि मैं लिख पाती नहीं, बाकी सब मैंने देख के लिखे थे। वर्तमान में भी जाति व्यवस्था सम्बन्धता बनाए हुए, परंतु सामाजिक परिपेक्ष में आज उनके खुद के पंचायत तथा आयोग ने उन्हें महत्वपूर्ण बात हिस्सा बना है। क्या कुछ भी लिख रही हूँ, समाज में जाति व्यवस्था पहले शर्म आधारित था, बाद में जनजात बन गई, जैसे लोहार का पुत्र लोहार जो समाज में समानता अपना नकारात्मक सिद्ध हो रही है। भारतीय जाति व्यवस्था में नीचे तथा प्रतिबंध पैसा होता था, जो प्रतिबंध है बंधु शैली प्रतिबंध जो बताओ ना, कोई भी किसी पैसे कर सकता है, जैसे बड़े कर पुत्र नौकर था व्यापार बड़े मन से फर्नीचर कार्य कर पहले परंतु यह वर्तमान में बेरोजगारी गरीबी आदि होने से प्रतिबंध पैसा में न रहने से बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। अरे क्वेश्चन तो समझो पहले, क्वेश्चन क्या है तुम लोग, तथा जाति व्यवस्था की भारतीय समाज भारतीय समाज में प्रभाव पर चर्चा कीजिए, समाज पर तुम क्वेश्चन समझिए नहीं। क्षेत्रीय बड़े काम बहुत कम कर सकते, परंतु बड़े कई निपुण ज्यादा लगा नौकरी भी कर सकता है। प्राचीन काम जाति व्यवस्था की सफानती देखने मिलती है जो आज भी मौजूद है, परंतु सफानते आरक्षण की छूट दी जा रही स्कीम के द्वारा सकारात्मक रूप दिया जा रहा है, जिसे जाति राजनीति पर समीक्षा। जाति व्यवस्था जो पहले श्रम आधारित थी तो बाद में, ये कौन है, किसकी आवाज़ आ रही है, म्यूट चलो धारण कर लिया, जो आज वर्तमान में अपना सकारात्मक रूप विकास में योगदान साथ अपना नकारात्मक रूप नंगे हिंसा संख्या मानसिकता लिए हुए हैं। जाति व्यवस्था के विकल्प खुलने से रोज बेरोजगारी वर्धित है, वहीं उनके तब प्रतिष्ठित जीवन में आसानी से रही है। विकास में राजनीति में अंकुश लगाए, शिक्षा नवाचार तथा वैज्ञानिकी में योगदान दे रहे, परंतु राजनीति में नकारात्मक है। क्या है मतलब, कोई मतलब नहीं है, 0.5 नंबर के लाइक भी नहीं, समझ ही नहीं तुम क्वेश्चन। समझ रहे हो क्वेश्चन ही नहीं समझोगे तो कैसे लिखोगे। मैं समझाता तो अभी मतलब क्या क्या करना था फिर भी होता। अरे पहले तो स्वरूप बताओ, समकालीन, समकालीन मतलब करंट में भारत में जाति व्यवस्था के स्वरूप पे चर्चा कीजिए। अरे जाति व्यवस्था स्वरूप, अरे स्वरूप देखो मतलब जाति व्यवस्था देखो, पहले तो क्या होता था कि जैसे मान लो जजमानी व्यवस्था सिस्टम के तहत थी, परंतु अभी आजकल जजमानी व्यवस्था के सिस्टम के तहत तो नहीं चल रही है ना, परंतु आज भी लोग जाति शादी तो उसे अपनी जाति में ही कर रहे हैं, ठीक है, जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये स्वरूप है। स्वरूप मतलब जाति अभी कैसे स्वरूप ले चुकी है, मतलब समझो थोड़ा, क्वेश्चन को समझा करो, फिर उसके बाद में बताना कि जाति व्यवस्था के भारतीय समाज में प्रभाव चर्चा कीजिए, ये प्रभाव पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, जाति व्यवस्था में राजनीति, ये सारी चीजें आप उसका अलग अलग एंगल से बताओ, तुम समझी नहीं। इसका स्वरूप मतलब पास्ट को और प्रेजेंट को और फ्यूचर को दोनों को तीनों को मिला के करना था। अरे स्वरूप मतलब देखो, समकालीन भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के स्वरूप पूछ रहा है, तो मतलब ये समझ, ये पूछना चाह रहा है करंट में आप जाति व्यवस्था का जो रूप देखते हो वो किस रूप में आपको दिखते है, जैसे लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि महापंचायत बना रहे हैं, ठीक है, जाति व्यवस्था के आधार पर जो धर्म के जो है शादी भाई इसी धर्म में करोगे, वो किसी में नहीं कर सकते, ये जो सारी चीजें बताई जाती है वो क्या है, राजनीति उसी का स्वरूप है, जाति का। तो फिर तो ये सारी चीजें है ना आजकल, ठीक है, जाति के आधार पे वो प्रतिबंधित पैसा तो नहीं रहा, परंतु आप सोचो कि फिर भी जातियों के आधार पर भेदभाव किया जाता है, वो सारी चीजें आदि जाति आधार शादी होती है, सारी चीजें राजनीति उसी आधार पे होती है, ठीक। आगे देखो, परंपरागत रूप से सशक्त और सांस्कृतिक रूप से संपन्न भारत के लिए वैश्वीकरण के सांस्कृतिक सामाजिक प्रभाव कई विरोधाभास को उत्पन्न करते हैं, चर्चा कीजिए, तथा वैश्वीकरण में एक आधुनिक अलगावित मानव को जन्म दिया है, इसकी भी चर्चा करें। अब देखिए इस क्वेश्चन की अलग अलग डिमांड है, जब तक तुम ये नहीं समझोगे ना तब तक कभी समझ नहीं पाओगे। परंपरा रूप से सशक्त व सांस्कृतिक रूप से संपन्न भारत के लिए वैश्वीकरण सांस्कृतिक सामाजिक प्रभाव कई विरोधाभास से उत्पन्न करते हैं, चर्चा की। अब ये डिमांड ये है, तो वैश्वीकरण के आधुनिक अलगावित मानव को जन्म दिया है, इसके भी चर्चा करें। ये दूसरी डिमांड है, वैश्वीकरण मुख्य रूप से एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें राजनीतिक सामाजिक आर्थिक तकनीक संयोज होता है, शब्द का प्रयोग व्यापार पूंजी, मैं कितने बोला सामाजिक पक्ष में, दो कभी भी डेफिनेशन, ठीक है, ये डेफिनेशन जब लिखो, जब इकोनॉमिक आंसर लिख रहे हो आप,
ये अगर सोसाइटी में लिख रहे हो तो वो उसमें सोसाइटी वाला लिखो ना, ठीक संस्कृति तथा समाज पर प्रभाव। अब देखो पहले क्वेश्चन समझो, परंपरा रूप से सशक्त सांस्कृतिक रूप से संपन्न भारत के लिए, भारत के लिए पूछ रहा हूँ, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव क्या है, कई विरोधाभास को उत्पन्न करते हैं, वो कौन से विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है वो बताओ, उसमें डिस्कस करना है कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। संचार क्रांति आधुनिकता के मूल्य तथा तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रसार, जिसे भारतीय संस्कृति तार्किकरण से भारत में आधुनिक समाज का विकास तथा प्रवास में वृद्धि, जिससे एक नवीन वैश्विक संस्कृति का निर्माण। अब ये बताओ उससे क्या चैलेंज क्रिएट हुआ है, यातायात के साधनों का विकास, बाजार अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति लोक परंपरा को आदि स्वर्गुण तथा उन्हें नवीन पहचान, जिसे सांस्कृतिक शैक्षण समाज। अरे ये नहीं पूछना चाह रहा, वही पूछ रहा, जैसे मान लो कि भाई, जैसे मान लो कि वैश्वीकरण हुआ है, वैश्वीकरण के कारण जो चीज़ें समस्या हो रही है, जैसे मान लो कि जैसे वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा बढ़ा है तो भारत में संस्कृति संकट आ रहा है, ये चीज़ें लिखनी थी आपको, समझ में नहीं आता, समझो चीज़ें, लव मैरिजेस बढ़ रही है, लिविंग रिलेशनशिप बढ़ रही है, तो जो अरेंज मैरिज सिस्टम है, अरे तो मैंने नेगेटिव पॉइंट पे लिखा है इसके, तो अरे तो वो डायरेक्ट यहाँ बोल दिया है आपको, डायरेक्ट सकारात्मक नकारात्मक नहीं बांटना था आपको, ये बताना था कि एक ही करना था। हाँ अरे पैराग्राफ में लिखते ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है ठीक, आगे देखो। वैश्विक जनित पहचान के संकट से सम्मान लोगों द्वारा परंपरा संस्कृति प्रति महत्व प्रचलन वृद्धि तथा इसके संरक्षण, नकारात्मक पश्चिमी जीवन शैली, पश्चिम परिधान, वेलेंटे लिव से एकल परिवार, खान पर पिज्जा, पश्चिम संगीत लेखक संगीत तथा बातें से खतरे में, तार्किकता पर जो तथा समृद्धता से सांस्कृतिक विकास संकट में, तथा पहचान संकट जैसे प्रतीकात्मक चेतना विकास, नवजाति संघर्ष, सभ्यता तथा सांप्रदायिक टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, बाजारीकरण से भारतीय संस्कृति तथा परंपरा को बाजारीकरण, जिससे समाज में संस्कृति के प्रति व्यापारिक सोच, जिससे संस्कृति मूल स्वरूप नष्ट होता जा रहा है, जिससे उपभोक्तावादी संस्कृति प्रसार, संस्कृति बाजार। अब ये पॉइंट ज़्यादा आने चाहिए तो वही तुमने कम लिखे हैं, थोड़ा और क्लियर लिखो, मतलब समझे, मतलब थोड़ा चीज़ें क्लियर ही लो। वैश्वीकरण के एक आधुनिक अलगावित मानव का जन्म दिया है, इसकी भी चर्चा करें। अब ये बताना था कैसे कैसे अलगावित मानव को निर्माण दिया है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। वैश्विक जनित आधुनिक मानव, वैश्वीकरण में से मानव में तार्किकता, आधुनिकता में मानवीय मूल्यों से आज के मानव में पश्चिम विचार, लिविन शराब बिना यौन संबंध में खुलापन, एकल परिवार पर लोग की जगह ये लोग विश्वास, मूल्य मीडिया, खान पान विजय, मानव उपभोग परिधान जो दे रहा है, जिसे एक धन संचय की मसीह मात्र रह गया है, मानव द्वारा सफल जीवन जीने की चाह में अकेलेपन होना, जिसे व्यक्तिवाद वर्धित सामूहिक श्रद्धा संन्यास, ठीक है, धन की चाह वर्धित मानव व्यवस्था वर्धित, जिससे परिवार बच्चे पत्नी, ठीक है, स्पष्ट रूप से वैश्वीकरण भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था पर विरोधाभासी परिणामों से उत्पन्न करते हुए कई नवीन समस्याएं जन्म दिए, परंतु साथ ही यह भी सत्य है कि नकारात्मक परिणाम एक संक्रमणकालीन उसका परिणाम, जहाँ भारतीय जनमानस नवीनता से अपना सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब संस्कृति विघटन की संभावना कम होती है, इसलिए आवश्यक वैश्वीकरण के कारण भारतीय संस्कृति पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव की एक तरफ रोकने से दूसरी तरफ से जनमत निर्माण किया जाए, ताकि संस्कृति विघटन की आधुनिक भारतीय समाज निर्माण कर दी। अरे इतना लंबा नहीं कंक्लूजन लिखना था, पता स्पष्ट है कि वैश्वीकरण ने, वो आपसे समीक्षा की डिमांड नहीं कर रहा ना, वो आपसे पूछ रहा है आधुनिक अनुमान नहीं, उसने चर्चा कर दी, ये लिखा था ना, तो चर्चा करिए, मैं समीक्षा देनी पड़ती है ना। अच्छा ठीक है, ये आप बताओ देनी पड़ती है नहीं, अरे आपको बताना था उसमें, ठीक है कोई नहीं, समीक्षा मत लिखो पन्ना अलग से, अरे ऐसा नहीं वो कंक्लूजन होता था, फिर वो कंक्लूजन आपको उतना आपको बताओ, बच्चे पॉइंट बताओ वहाँ पे अदा सब ऐसे वैसे करने, जहाँ न केवल भारतीय समाज से संस्कृति पर प्रभाव डाला, वहीं अलगावित मानव के उद्यम में भी भूमिका निभाई, परंतु इन प्रभाव को सकारात्मक, अब देखिए क्या है, नकारात्मक पक्ष के साथ संतुलन तथा विभिन्न तत्व को अलग कर दिया जाए, तो वैसे करने सकारात्मक भूमिका, थोड़ा और मेच्योर की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला, ये क्वेश्चन तो आधा अधूरा, चलो लास्ट पीढ़ी बची है ना तुम्हारी, ये वाला, समकालीन भारत में जाति व्यवस्था के स्वरूप पर चर्चा की जाए, जाति व्यवस्था के बढ़ते समाज पर प्रभाव चर्चा की, ये तो अभी तो कर लिया, ये तो पढ़ ही लिया अभी क्वेश्चन, ये तो हो गया,
हो गया सारा चेक तुम्हारा? ये तो सेम भेजा तुमने, सेम हो गया, हो गया। देखो ये वाली पीडीएफ तुम्हारी, देखो ये ओपन कर रहे हैं तो ये वो वाली है। एक सेकंड, मैंने अभी पंचायत वाला और भेजा है, रुको। आया नहीं है क्या वो पंचायत वाला? नहीं दो सेम पीडीएफ भेज दी तुमने। रुको भेजती हूँ मैं अभी, रुको। चलो ठीक है, फिर अब भेज दो, फिर अगले संडे चेक कर लेंगे, ठीक है उसको। अरे तो फिर मेरा क्वेश्चन बता जाओ। क्या? रुको। इसमें नहीं ये बताना था कि पहले पहली डिमांड इसकी है, खाप पंचायत पितृ सत्तात्मक समाज की अभिव्यक्ति है, इसमें क्या करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव? मैं बताऊंगा फिर, तुम क्या लिखोगी खुद से लिखो, फिर तभी समझ में आएगा चीजें। तो सुन लो, इस प्रश्न करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में प्रतिष्ठा हत्या को रोकने हेतु इसके प्रयासों की समीक्षा कीजिए। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा निर्णय था। यू हैव टू चेक, मैं नहीं करूंगा। मैंने चेक किया था, ऊपर उसमें तो दिखाई नहीं रहे गूगल पे। ना। अरे चलो ठीक है, काम करो, फिर बाद में देखेंगे, ठीक है? ठीक है तो। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।